अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना सर, कंफर्म करो तो एक बार। यस ओके सर, ठीक है सर। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सर जीएसटी पढ़ाई करना है। यस सोनी, गुड इवनिंग सोनी, बोलो सनी, कुछ बोल रहे हो क्या? गुड इवनिंग। सर जीएसटी का क्या क्या हो गया? सर अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, प्लेलिस्ट फॉलो करो, प्लेलिस्ट फॉलो करो, वहां पर मिल जाएगा सारा लेक्चर। ठीक है सर। अच्छा तो जैसे कि अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और ऑलरेडी हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बेसिक कर चुके हैं, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक लेक्चर्स मतलब पार्ट है वो हो चुका है। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग सर एडवांस पार्ट लाइक रजिस्ट्रेशन में क्वेश्चंस कैसा होता है, केस स्टडीज कैसा होता है, ये सब में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और आज तो मैं आपको सर प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या फॉलो करना पड़ता है डिटेल्स। ठीक है, नॉर्मल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो लोग सीखते हैं उनको तो बस एक बेसिक्स फॉर्म का स्टेप्स होता है वो फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में सिखाया कि आपको बस जीएसटी का जो पोर्टल है उसमें जाना है, वहां पर जाके एज पर द जो जो भी फॉर्म में होता है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है और आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। बट सर हम लोग सर एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, एज ए सीएस, हमें इसके डिटेल्स में जाना है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, नियम क्या है, कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल मिलता है, कब इसे कैंसिल या रिमूव किया जाता है, तो ये सब जानना है। समझ रहे हो सर? तब ना हम लोग एक्सपर्ट कहलाएंगे, अदरवाइज एक क्लरिकल काम और एक्सपर्ट के काम में फर्क क्या होगा, है ना? तो चलो तो एक्सपर्टिस बनाते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और चर्चा चालू करते हैं। सर स्क्रीन शेयर है? यस सर। यस शालिनी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो सर ऑलरेडी अगर मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ओवरव्यू दूँ तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर से क्या क्या मेन मेन पॉइंट कवर कर चुके हैं, जैसे कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, एज वेल एज पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सब मैं बता दिया सर। कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, कुछ केस लॉ डिस्कस करूंगा, और उससे भी बड़ी चीज सर हम लोग आज प्रोसीजर पे बात करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे भी बात करेंगे, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन पे भी बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ एरिया है जो कवर करना पड़ेगा विथ प्रोसेस लॉज एंड केस लॉज जो भी बोलो आप। ठीक है, तो देखो जीएसटी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, पढ़ना लॉ पढ़ता है लेकिन करना प्रैक्टिकली करना पड़ता है, बात को समझे। आप लोग जो कुछ भी पढ़ते हो एज पर लॉ पढ़ते हो क्योंकि जीएसटी एक लॉ है, लेकिन किंतु परंतु जीएसटी का जो रियल लाइफ यूज है वो लॉ के ऊपर बेस करके है। जैसे कि हम लोग जब जीएसटी पोर्टल में जाते हैं या फिर जीएसटी का जो अथॉरिटी है, किसके पास है जीएसटी अथॉरिटी सर? जीएसटी का अथॉराइज कौन है सर? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनके यहाँ पर सारा लॉ लिखा गया है। ठीक है, आप अगर जीएसटी एक्ट को जानना चाहते हो अब यहाँ पर जाके एक्ट में क्लिक करके भी एक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये सब में नहीं जाना है सर, बस आपको दिखाना चाहता था तो दिखा दिया, और जरूरी होता है सर। ठीक है, तो ये तो सीबीआईसी का पोर्टल है जहाँ पर आपको एक्ट्स, सर्विसेस, ठीक है, जीएसटी रेट क्या चल रहा है जानना चाहते हो, करेंटली क्या रेट चल रहा है? अगर आपको करेंट क्या रेट चल रहा है गुड्स पे और सर्विस पे, ठीक है, मन में सवाल चलता है लोगों का, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे आपको ये सब डेटा मिल सकता है, आप वो सब डेटा यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, गुड्स पे एज वेल एज सर्विस पे करंट रेट क्या चल रहा है इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखो ऑल गुड्स आदर देन फ्रेश और चिल्ड, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड,
2.5 सीजीएसटी लगता है, 2.5 एसजीएसटी लगता है, या फिर यूटी जीएसटी लगता है, आईजीएसटी 5% लगता है, ऑल गुड्स। अच्छा ये सब क्या है सर? चैप्टर है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, टैरिफ आइटम है। सर ये जो चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, ये मैंने कहाँ बोलता हूँ जानते हो? इसके बारे में बोला जाता है चार्ज ऑफ जीएसटी में, ठीक है, चार्ज में इसके बारे में डिटेल्स में बोला जाए, चैप्टर क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, सब हेडिंग क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, आइटम क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारा नंबर होता है, ठीक है, उसके अंदर रीचेस एंड कोड, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम, नोमेनक्लेचर, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए अलग होता है, ठीक है, वो सब चार्ज अंडर जीएसटी में और एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में भी हल्का फुल्का बता जाता है। अगर आप लोग जीएसटी का पूरा, जो लोग पहले का सारा क्लासेस कर चुके हो, बैकअप कर चुके हो, उनको जरूर पता लग गया होगा, या फिर जो लोग लाइव क्लास भी कर चुके हो पहले, दे मस्ट नो, जो नहीं किया कोई बात नहीं सर, सीखना है ना सर, ठीक है समझ रहे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, आप लोग यहाँ पर पूरा एकदम कितना सारा गुड्स है उसका पूरा रेट समेत आपको सर, बहुत लंबा लिस्ट है सर, ह्यूज, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस का खत्म नहीं, लेकिन तो कौन से प्रोडक्ट में क्या जीएसटी रेट है उसका आपको पूरा यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, समझ गए ना सर? आई होप कि आप लोग समझ भी रहे हो, सोच भी रहे, ठीक है। तो नॉर्मली अभी सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट चल रहा है 28%, ठीक है, तो 28% टैक्स रेट हाईएस्ट जा रहा है सर। बाकी आपको और नॉलेज लेना है, आप जीएसटी के साइट पे जाइए, मतलब ये सीबीआईसी के साइट, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साइट पे जाइए और निकालिए यहाँ से रेट वगैरह, ठीक है। और क्या बताएं सर, सर्विस का भी अलग से क्लिक करके सर्विस का डिटेल्स भी ले सकते हो, करेंट रेट का आइडिया आपको लग जाएगा, मतलब ये रेट बताने का क्या चीज़ है सर, रेट में कितना पढ़ाऊँ, ऐसे रेट के बारे में आप लोगों का हल्का सा है, बट ज़्यादा रेट पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, रेट यूज़ करने वाला चीज़ है। ओके सर समझ गए, लेकिन सर यहाँ रेट का बात नहीं चल रहा है, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन का बात चल रहा है सर। रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाना है? gst.government.in, ठीक है, यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल में जाना होता है, और पोर्टल में जाके सर्विसेज में क्लिक करना है, और यहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा सर, अभी मैं आपको एचएसएन कोड के बारे में बोल रहा था ना, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, मतलब इंटरनेशनली गुड्स का ट्रांजेक्शन करने के लिए एक कोड होता है सर, ठीक है, ये सभी चीजें ना यहाँ पर ही मिलता है। ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अभी था ये देखो, यूजर सर्विस में सर्च एचएसएन कोड, इसके बारे में भी बोला हुआ है सर, ठीक है, इसके बारे में भी क्लास में डिटेल्स में पहले से बोला हुआ है, और जब मैं फिर से कराऊंगा फिर बोलूंगा, ठीक है। अच्छा ये सब जेनरेट यूजर आईडी, कॉजली, सर्च एडवांस रूलिंग, लोकेट जीएसटीपी, आप लोग भी चाहो तो आगे आगे बन सकते हो, ठीक है, जीएसटीपी लेना पड़ता है, मतलब ऐसे चार्टर्ड, ऐसे सीएस, ऐसे सीएमए, ये सबसे अच्छा काम है सर, बहुत पॉपुलर काम है, तीनों करते हैं सर, सीएस, सीएस, सीएमए, तीनों के पास जीएसटी का पूरा एकदम काम करने का मौका है, ठीक है, आप जीएसटीपी बन सकते हैं। इवन अगर कोई ऐसा है जो सी एस सी एस सी एम ए नहीं पढ़ रहा है, वो भी जी एस टी पी बन सकता है, लेकिन हाँ कॉमर्स फील्ड से आना पड़ता है, तो एग्जाम क्रैक करके आप जी एस टी पी बन सकते हो, जी एस टी पी मतलब जी एस टी प्रैक्टिसनर, ठीक है, तो ये सभी एग्जाम देके सी बी आई सी के एग्जाम क्रैक करके भी आप जी एस टी पी बन सकते हो, और जो लोग सी एस सी एस सी एम ए करते हैं इनके पास जी एस टी ऑडिट वगैरह करने का पूरा ताकत होता है, इसीलिए सी एस सी एस सी एम ए वालों के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है, बेहतरीन मौका होता है। अच्छा तो रजिस्ट्रेशन पे बात, तो रजिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, ठीक है, और एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कैसे करना है, ये सब आपको ये वाला साइट में मिलेगा। ये जो साइट में दिखा रहा था ये सीबीआईसी का साइट था, जहाँ पर एक्ट, सर्विसेज, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ आपको यहाँ मिलता है, और जो gst.government.in का साइट है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा काम यहाँ पर होता है। तो अगर किसी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्म फिलअप करते जाओ, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आपको पूछेगा, आप उसको भरते जाओ, आपका ऑटोमेटिकली ये पूरा हो जाता है। लेकिन ये तो बस एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के पीछे छुपा हुआ लॉ क्या है, यही तो जानना है, ठीक है, तो चलो सर आगे बढ़े। आज तो सर प्रोसीडियर पे पूरा बात करूंगा मैं आपके साथ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या रूल छुपा रहता है, ठीक है, एसी जेड के बारे में बताऊंगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में
पढ़ते हैं सर, अपना बिजनेस करते हैं, उनका क्या रोल है सर? बहुत सारा चीज़ कितना बताओगे, पर हम लोग कितना याद करेंगे सर? जितना बड़ा जगत है, जितना बड़ा बिजनेस सिस्टम है, उतना जानना पड़ेगा। आम और खास में ही तो फर्क होता है। समझ गए सर, समझ गए। आप आगे बढ़ो सर। लास्ट दिन जो मैं आपको कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, उस रिलेटेड अगर आप देखोगे, जैसे कि कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब एग्जेम्प्टेड कौन है, कौन किसको मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर करना, ये सब मैं बोला था, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट में आके हम लोग रुके थे। क्या पॉइंट था? मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोसीडियर पे जा रहा हूँ उसका, है ना। मैं लास्ट दिन, मुझे याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं, मैं तो, मुझे तो नहीं पता, ये डिपेंड करता है कि जो लास्ट क्लास को रिवाइज किया है, घर पे पढ़ा है, उसको जरूर याद रहेगा। जो नहीं पढ़ा वो भूल जाएगा। जीएसटी नहीं पढ़ेगा तो भूल जाता है, सब भूल जाते हैं। सीए वाले, सीएमए वाले, सब स्टूडेंट का जीएसटी में अगर वो रिवाइज नहीं करता है ना, वो भूल जाता है। क्यों सर? क्योंकि सर ये थोड़ा वास्ट है, इसीलिए। अकाउंट्स तो नहीं है कि 11 से कर रहे हैं सब, थोड़ा बहुत याद आ ही जाता है। सीबीआईसी अपने सर्कुलर में सर एक क्लैरिफिकेशन दिया था, लाइबिलिटी टू रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट एज पर द एपीएमसी एक्ट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब ये एपीएमसी कौन है, इसके ऊपर भी मैंने लास्ट दिन आपको हल्का सा आइडिया दिया था। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो मार्केटिंग करता है गवर्नमेंट की तरफ से, एपीएमसी, ये सरकार का है सर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का साइट चलता है, ई नाम बोल के, ठीक है। आप इस साइट में जाके भी सर, इतना सरकारी साइट के बाद जाके क्या करें सर, यही तो है आपको जानना है। तो ई नाम के यहाँ पर जाके आपको अलग अलग कृषि के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर के ऊपर आपको डिटेल्स मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जीएसटी रिलेटेड बात में बात करूंगा सर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज क्लैरिफाइड दैट इशू एज टू वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट एज पर एपीएमसी एक्ट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी विद द फॉलोइंग एग्जांपल। इफ फर्दर एग्जामिन्स एंड क्लैरिफाई द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सच कमीशन एजेंट्स, मिस्टर ए सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ मिस्टर बी हु इज अ कमीशन एजेंट। ध्यान से सुनना बात को। मिस्टर ए सेल करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ मिस्टर बी, जो कौन है सर? जो कमीशन एजेंट है। अच्छा, कमीशन एजेंट जैसे एलआईसी में एजेंट होता है ना, तो जो एलआईसी एजेंट होते हैं वो एलआईसी में रजिस्टर्ड रहते हैं, मतलब एज पर इंश्योरेंस के एग्जाम देके वो एजेंसी लेता है। जो लोग स्टॉक मार्केट एजेंट होते हैं वो स्टॉक मार्केट में सेबी का एग्जाम देके एजेंट होता है। म्यूचुअल फंड का एजेंट होता है, म्यूचुअल फंड का भी स्टॉक मार्केट में एग्जाम होता है, सेबी का, उसमें एग्जाम देके एजेंट बनता है। सिमिलरली अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट का लाइसेंस होल्ड करता है कमीशन एजेंट का, तभी उसे कमीशन एजेंट एपीएमसी बोला जाता है। तो मिस्टर ए अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल कर रहा है यूटिलाइजिंग द सर्विस ऑफ मिस्टर बी हु इज अ कमीशन एजेंट एज पर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट एपीएमसी ऑफ द स्टेट। मिस्टर बी आइडेंटिफाई द बायर्स एंड सेल्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर बी क्या किया? मिस्टर ए के बिहाफ में। मिस्टर बी कौन? मिस्टर बी कौन है सर? मिस्टर बी और मिस्टर ए में क्या रिलेशन है बोलो? मिस्टर ए और मिस्टर बी में क्या रिलेशन है? एक प्रिंसिपल है तो दूसरा एजेंट है। मिस्टर ए अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचता है और मिस्टर बी उसका कमीशन एजेंट बना है, लेकिन वो ऐसे वैसे कमीशन एजेंट नहीं सर, वो एपीएमसी एक्ट के तहत एजेंट बना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिस्टर बी कैसे अपना बायर आइडेंटिफाई किया, मतलब वो तो एजेंट है तो आइडेंटिफाई तो करना उसका काम है, और मिस्टर ए के बिहाफ में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल कर दिया जिसके बदले में वो कमीशन लिया मिस्टर ए से। माय क्वेश्चन इज दैट इन केस वेयर द इनवॉइस इशूड डायरेक्टली बाय मिस्टर ए टू द बायर, द कमीशन एजेंट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट। हेलो, बात को समझे? प्रोडक्ट किसका, मालिक कौन है यहाँ पर प्रोडक्ट का? मिस्टर ए, ये ओनर है सर। मिस्टर बी कौन? एपीएमसी एक्ट के तहत एजेंट है, जान लो सर, स्पेशल बातें हैं सर। मिस्टर ए ओनर है किस चीज का? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। एग्री प्रोड्यूस का ओनर है मिस्टर ए और एग्री प्रोड्यूस का एजेंट है मिस्टर ए का मिस्टर बी। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट इन केस जहां पर इनवॉइस मिस्टर ए इशू करता है डायरेक्टली बायर को, मानो कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी को प्रोडक्ट सेल कर रहा,
मिस्टर बी मिस्टर सी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन ये जो इनवॉइस है ये मिस्टर ए इशू कर रहा है। अगर ये मिस्टर ए के इनवॉइस पे मिस्टर सी इसका पेमेंट कर रहा है और इनवॉइस इशू मिस्टर बी नहीं ओनर ही कर रहा है, तो क्या कहता है, इन केस वेयर द इनवॉइस इशू डायरेक्टली बाय मिस्टर ए टू द बायर, द कमीशन एजेंट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, मतलब वो एपीएमसी के तहत। हाउएवर इन केसेस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय मिस्टर बी टू द बायर एंड मिस्टर बी इज एन एजेंट एज कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ दिस जीएसटी एक्ट, तो अगर मिस्टर बी एजेंट होने के नाते इनवॉइस भी इशू कर रहा है तो बी तभी उसको सीजीएसटी एक्ट में एजेंट माना जाएगा जिसके बारे में शेड्यूल 1 और पैरा 3 में बोला है। Hence, in such cases, the service supplied by commission agent Mr. B on behalf of principal without consideration shall be deemed to be the supply. The concept of deemed supply under Schedule 1 has been discussed. इसके बारे में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं supply under GST, जो नॉर्मली मैं बेसिक के बाद ही कराता हूँ। जिनका ये हो चुका है उनको तो पता होना चाहिए, जिन्होंने ये चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया या तो वो बैकअप से करो या फिर जब मैं लाइव में वापस आऊँगा तब कराऊंगा, लेकिन अभी इतना जानने से चलेगा कि ये जो डीम्ड सप्लाई के बारे में शेड्यूल 1 के बारे में सप्लाई में बोला गया है, डीम्ड सप्लाई मतलब जो एक्चुअल में सप्लाई नहीं है पर मान लेंगे कि ये सप्लाई है, क्योंकि ओनर तो मिस्टर ए है, प्रोडक्ट ए का है, मिल रहा है सी को, बीच में एजेंट है, तो एजेंट होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है इनवॉइस इशू के ऊपर, बस इतनी सी बात है। अब आपको समझ में रखना चाहिए सर कि इनवॉइस जब इशू हो रहा है, इनवॉइस मतलब बिल सर, बिल चलान, ठीक है, इनवॉइस पे समझते हो, जीएसटी बिल को इनवॉइस बोला जा रहा है, ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है कमीशन एजेंट का, ये जो एपीएमसी एक्ट के तहत जो एजेंट बन गया सी जीएसटी में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, इनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट का क्या करें, नॉलेज मिल लो सर। एज वी डिस्कस्ड As per section 24, a person is liable for mandatory registrations if he makes taxable supply of goods or service or on behalf of other taxable person. या तो वो खुद कर रहा है या फिर किसी के behalf में कर रहा है। तो अगर आप taxable goods का supply कर रहे हो, अगर exempted goods का करोगे तो register करने का जरूरत नहीं है। जिस product में सरकार tax को exemptions करके रखा है उसमें आपको क्यों register करना है सर, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो वो तो सरकार ने एग्जेम्प्टेड करके रखा। इसके बारे में कहाँ नॉलेज मिलेगा सर, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा एग्जेम्प्टेड ऑफ जीएसटी के चैप्टर में, या फिर अगर आप थोड़ा ओपन नॉलेज लेना चाहते हो तो आप सीबीआईसी के साइट में जाके भी, जैसे जीएसटी रेट के बारे में नॉलेज ले सकते हो ना गुड्स या सर्विस में, वैसा ही यहाँ पर आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का भी डिटेल्स मिल जाएगा, एक्ट के अंदर जाके भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा ये देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट था, थोड़ा ढूंढना पड़ता है क्योंकि मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कभी। यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये एक चार्ट होता है सर एग्जेम्प्टेड का, जिसको नेगेटिव मतलब टैक्स भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें कोई टैक्स नहीं है, सरकार ने उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। सबसे बड़ा चीज आप लोगों को जो मैं नोट शेयर करता हूँ या फिर आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी चेक करो तो आपको मिलेगा, ठीक है, और जो नोट्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा, जो नोट एक शॉर्ट नोट्स भी मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें ना एक मतलब कौन से गुड्स पे जीएसटी नहीं है या एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो डेली का जो फ्रेश वेजिटेबल्स मार्केट में हम लोग जाके वेजिटेबल खरीदते हैं, जो दूध खरीदते हैं जो मतलब फ्रेश दूध सर टेट्रा पैक में जीएसटी लेता है, टेट्रा पैक मतलब अमूल का वो एक होता है ना टेट्रा पैक, उसमें जीएसटी लगता है, क्यों, क्योंकि वो टेट्रा पैक, ठीक है, तो टेट्रा पैक और बेसिक पैकेजिंग में फर्क है। ये जो डेली का जो मार्केट में दूध होता है ना वो बेसिक पैकेजिंग है, उसके ऊपर पैक उसको प्रॉपर पैकेजिंग नहीं मानते दूध वगैरह के केस, लेकिन हाँ अगर मानो कि पैकेज सब्जी बिक रहा है तो भी उसमें जीएसटी लगता है ब्रांड बनाकर, अनब्रांडेड है तो नो जीएसटी, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो बस दो चार एग्जाम्पल के लिए अभी बोला, डिटेल चर्चा तो एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी में भर भर के करता हूँ, मजा आ जाता है, तो किसमें एग्जेम्पशंस है पूरा एकदम लिस्ट भर भर के पढ़ा जाता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट किसमें इसमें जीएसटी में, तो लंबा लिस्ट है, तो ये एक दो लिस्ट नहीं है, ठीक है छोड़ो अभी एक बात करते हैं तो हजारों बात आ जाता है सर। तो जैसे कि सेक्शन 24 सिंपल बात करते हैं, तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा
कि अगर आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर खुद का प्रोडक्ट है तो भी, या फिर किसी के बिहाफ पे करोगे तो भी. तो अकॉर्डिंगली अ कमीशन एजेंट विल बी लायबल टू गेट मैंडेटरी रजिस्टर्ड अंडर दिस प्रोविजंस ओनली व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड. देखो सर, ये जो एपीएमसी का केस है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी का जो एजेंट है, अगर वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर आ रहा है, अच्छा वो कब सीजीएसटी में आएगा, जब वो बिल इनवॉइस वो खुद इशू करेगा बिहाफ में ऑन बिहाफ, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए. लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन, प्रिंसिपल को भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, अंडर सप्लाईज मेड बाय द कमीशन एजेंट शुड बी टैक्सेबल, जिस प्रोडक्ट को वो सप्लाई कर रहे हैं वो भी टैक्सेबल. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. समझ रहे हो सर, ये लेवल नॉलेज है, ये लेवल वाला नॉलेज है. जितना गहराई में जाओगे उतना आपको जीएसटी में एक एक करके जानने को मिलेगा, एक एक करके जानने को मिलेगा. मतलब ऐसे कहावत है, एक बंगाली कहावत है सर, कहावत मतलब ऐसा एक मूवी का लाइन है, मुझे याद आ रहा है सर, कहता है कि जानार कोनो शेष नाय जानार चेष्टा बिना फल. मतलब सर, मतलब ये होता है, जिसको बंगाली नहीं समझ में आया, मतलब ज्ञान का कोई अंत नहीं है तो ज्ञान लेना बेकार है. सर ये मजाक मजाक से कहा जाता है, एक्चुअली ये एक सत्यजीत रॉय का एक बड़ा फेमस मूवी है. सर मूवी का नाम है सर गोपी गायन बाघा भाई, क्योंकि उस मूवी में इसके बारे में बोला है. मतलब बेसिकली एक ऐसा राजा है जो लूटता है अपनी ही प्रजा को, वो अपने प्रजा को जाके सिखाता है ताकि वो मूर्ख रहे. उसका मूर्खता का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप एडुकेटेड मत बनो, नॉलेजेबल मत बनो, ठीक है, क्योंकि जितना जानोगे, इसीलिए वो सिखा रहे हैं कि जानार को शेष ना ही जानार चेष्टा बिधाता ही. मतलब नॉलेज लेने का कोई कम एंड नहीं है, तो इसलिए नॉलेज लेना बेकार है, डिमोटिवेशन एक पोइट्री है. सर कहाँ कहाँ से लाते हो, पागल तो नहीं हो गए? सर पागल हो जाए कोई, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाए इतना काफी. अच्छा, तो जनरली अ कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी एक्ट मेक सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. एग्रीकल्चरिस्ट मतलब अरे फार्मर्स, फार्मर को एग्रीकल्चरिस्ट बोलो, मजा आ जाता है, उनको भी एक फीलिंग आ जाता है, फार्मासिस्ट, हाँ ऐसा फीलिंग आ जाता है फार्मासिस्ट की तरह. एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर बोलो हाँ किसान है. लेकिन सर एक बात आप लोग भूल जाते हैं, जय जवान जय किसान, उनके बिना तो देश अधूरा है. अच्छा, हु इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन इफ ही सप्लाइज प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड. अच्छा मतलब जनरली कमीशन एजेंट अंडर एपीएमसी एक्ट मेक सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, हु इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन इफ ही सप्लाइज प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड. मतलब वो अपने ही जमीन का चीज बेचे तभी हो सकता है. इसके बारे में भी लास्ट दिन का एक एग्जाम्पल दिया था, किसी दूसरे का प्रोडक्ट लेके बेचोगे तो फिर आप सेलर बन जाओगे, वो कल्टीवेटर नहीं बनेगा. एग्जाम्पल था ना एक, हाँ विश्वजीत याद है, लास्ट दिन का एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल था. वो अपने जमीन में कुछ खेती कर रहा था और मार्केट से चावल खरीद के बेच रहा था. तो यस सर, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था ये, मोस्ट प्रोबेबली हां, तो जो खरीद के जो बे उस पे टैक्सेबल हो जा रहा था. हाँ यही था सर, बहुत सारा रोज कितना याद दिले उनको, पढ़ाई करो सर, रिवाइज करो. अच्छा तो एपीएमसी समझ में आ गया होगा सर, और इसमें मैं क्या बोलूं. यहाँ पर एक दूसरा एक एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप, एग्जामिन विद रीजन एक क्वेश्चन है, कैसे कैसे सवाल हो सकता है जीएसटी से. एग्जामिन विद रीजन वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. दो केस दिया है आपको, अगर नॉलेज है तभी बोल सकते हो कि रजिस्टर करना है कि नहीं करना है. आधव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात, ठीक है, नाम है सर कंपनी का, इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस. मतलब आधव अगर आपके सामने आता है और बोलते हैं कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है 15 लाख का, जिसमें इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट दोनों है, मतलब गुजरात के अंदर का सप्लाई का भी डेटा दिया आपको और गुजरात से दूसरे स्टेट में भी सप्लाई करता है, मतलब गुजरात टू गुजरात, गुजरात के अंदर गुजरात टू गुजरात, मतलब अहमदाबाद टू सूरत, ठीक है, गुजरात टू गुजरात, दैट इज कॉल्ड इंट्रा, अहमदाबाद टू सूरत, ठीक है, दोनों ही गुजरात में है. और एक हो गया इंटर, मतलब मानो गुजरात टू महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, जहां जाना है जा, तो इंट्रा एज वेल एज इंट्रा एंड इंटर दोनों मिला के 15 लाख का
उनका सप्लाई हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर हो रहा है, सप्लाई नहीं टर्नओवर। तो क्वेश्चन इज दैट क्या इसको रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी में? मिनिमम लिमिट क्या है गुजरात के लिए? गुजरात का मिनिमम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है? इसी चैप्टर में पढ़े हो क्या? गुजरात स्पेशल कैटेगरी स्टेट में पड़ता है? नो सर, नॉर्मल है ना। तो फिर कितना लिमिट है? नॉर्मल लिमिट क्या है? 20 लाख का लिमिट है ना सर, नॉर्मल लिमिट 20 लाख का है। तो रजिस्टर सबसे बड़ा चीज है सर। सर 20 लाख का लिमिट है, लेकिन वो तो दोनों तरह का काम कर रहा है, इंटर भी कर रहा है, इंट्रा भी कर रहा है। और आप लोगों को बोला था ना लास्ट वीक कि अगर आप स्टेट चेंज करके अपना सप्लाई करते हो तो आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बात लिखना पड़ेगा, ये क्या जवाब होगा? रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर सप्लाईज एंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप स्टेट बदल के सप्लाई करते हो, मतलब आपका प्रोडक्ट अगर गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट गुजरात से बंगाल आ रहा है, जहीं कहीं पर भी स्टेट बदलना जरूरी होता है। अगर स्टेट बदलेगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर सप्लाईज एंगेज्ड इन द इंटर स्टेट सप्लाई। हाउएवर As per notifications, एक नोटिफिकेशन आया था कब, 2017 में सरकार ने एक अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन अमेंडमेंट लाया था, जिसमें बोला था थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन 20 लाख, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो 10 लाख का। स्पेशल कैटेगरी लाइक मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, इनके लिए 10 लाख। तो अदर कंप्यूटर्स जिनका टर्नओवर 15 लाख में है, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा। बात समझ रहे थे? पहले बोला था, पहले यही बोला था कि अगर आपका टर्नओवर मैटर नहीं करता, आप अगर इंटरेस्टेड कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर बाद में एक नोटिफिकेशन दिया और उसमें बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड भी करते हो तो आपको एक लिमिट दिया जा रहा है, 20 लाख तक का छूट है, पर 20 लाख के ऊपर जाए, सॉरी हाँ 20 लाख के ऊपर जाए तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इन दिस केस आधव कंप्यूटर्स 15 लाख है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो इट इज एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस। क्लियर हुआ बात सर, बोलो। यस, इस तरह से पढ़ना जीएसटी। अब बीच बीच में कब क्या नोटिफिकेशन लाया वो भी समझना पड़ता है, बिकॉज टैक्स लॉ में नोटिफिकेशन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इज अ सोर्स ऑफ लॉ, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, टैक्स, इसीलिए थोड़ा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन भी मायने रखते हैं। हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है बेकार का नोटिफिकेशन, माथा खराब करता है। बट टैक्स वगैरह में नोटिफिकेशन को पढ़ाया जाता है आपके नोट्स के अंदर, स्टडी मैट के अंदर, स्टडी नोट्स के अंदर पढ़ाया जाता है, मैंडेटरी हो जाता। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था सर? सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल, अरे वाह बंगाल का है, एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स, कपड़ा का काम करता है, सप्लाईज इन टैक्सेबल गुड्स इन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया फ्रॉम इट्स आउटलेट इन वेस्ट बंगाल, एग्रीगेट टर्नओवर सॉफ्ट विंग्स 35 लाख, क्या करेगा, रजिस्टर करेगा? नो सर, 40 लाख का ये होता है। किस पे? अगर आप इंट्रास्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो। लेकिन क्या इंट्रास्टेट कर रहे हैं कि इंटरस्टेट कर रहे हैं? इंट्रा कर रहे हैं कि इंटर कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। तो इंटर कर रहे हैं। हाँ देखो, वेस्ट बंगाल के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज 40 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, वेस्ट बंगाल में अगर आप गुड्स में काम करते हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख का। ये मैंने लास्ट दिन बताया था, किसी किसी केस में 40 लाख का भी लिमिट एक्सटेंड किया गया है स्टेट वाइज। सो सप्लाई ऑफ
भी गुड्स बिल, गुड्स सर्विस मिला के वो तो 20 लाख में जाना पड़ेगा। तो क्या कहता है कि 40 लाख कैटेगरी में अगर आप पढ़ते हो, मतलब 40 लाख तक अगर आप गुड सप्लाई करते हो, ठीक है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। 40 लाख क्रॉस करोगे तो करना है। हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इफ सप्लायर इज एंगेजिंग द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। द सॉफ्ट विंग्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। दोनों क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर। अब ये दोनों चीज में आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है, क्योंकि इसी में इसका खेल छुपा हुआ है। इसके लिए मैंने पहले भी पुराने लेक्चर्स में बोल के रखा है आपको कि किस स्टेट्स के लिए क्या लिमिट है। ये देखो सर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस एंड 40 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट। ओके, जिसमें क्या क्या है, जम्मू कश्मीर है, आसाम है, हिमाचल है और अदर स्टेट्स है। बाकी इसमें ये चीज भी पढ़ा चुका हूँ इसलिए बार बार नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स पे हो तो इंट्रा स्टेट के केस में आपको 40 लाख का छूट है। बट इसके ऊपर में केस भी करा गया कि अगर आप इंटर स्टेट मतलब स्टेट बदल के अगर आप गुड्स का सप्लाई करोगे, मतलब वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट अगर दूसरे स्टेट में जाएगा, सप्लाई होगा, तो आपको करना पड़ेगा। इवन उस केस में टर्नओवर लिमिट को भी नहीं देखा जाएगा, इन दैट केस टर्नओवर लिमिट को भी नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अपना क्या है, कौन है सर, कौन था इसका नाम, क्या था मिस्टर, कुछ नाम था क्या, सॉफ्ट विंग्स कंपनी, ठीक है, सॉफ्ट विंग्स बिजनेस, इसको वेस्ट बंगाल में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्योंकि वो इंटरस्टेट में काम कर रहा है, भले ही उसका 40 लाख का लिमिट है, अगर इंट्रा स्टेट करता, सिर्फ वेस्ट बंगाल में रहना चाहता तो हो जाता, बट वो दूसरा स्टेट में जा रहा है ना, तो इन दैट केस ये लिमिट काम नहीं करेगा, क्योंकि 40 लाख की कैटेगरी में ये लिमिट काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए सर, बोलो। हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, क्या दिक्कत हो गया, बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? ये सब प्रोविजंस के ऊपर डिपेंड करके हो रहा है, जो ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा के आया मैं ना दिन से, जो डिटेल्स में क्लास किए हैं वो समझ जाएगा। धनौन, विश्वजीत, समझ में नहीं आया सर? स्नेहाशीष, यस सर, आए सर, आए सर, ओके सर। नील, नील हो जाए अच्छे, रोशनी, यस सर, बोलते बैठ, ओके, है दादा, ओके सर, नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन, चलो, क्वेश्चन, ऐसा खराब करूँगा आपको, एग्जामिन करने बोल रहा है, वेदर द लायबिलिटी टू रजिस्टर कंपलसरी अंडर सेक्शन 24 अराइजेस, मतलब सेक्शन 24 बेसिकली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पे बात करता है। मीनू, एक बंगाल में एक साड़ी का ब्रांड है, मीनू साड़ी, लेकिन ये मीनू साड़ी नहीं है, ये मीनू, अच्छा मीनू एक सप्लायर है महाराष्ट्र में, मैं सोच रहा था मीनू साड़ी, बड़ा बाजार में कभी जाओगे ना, चारों तरफ मीनू साड़ी, टीवी में एड भी आता है, बहुत एड आता है। अच्छा, मीनू अ सप्लायर इन महाराष्ट्र एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ पोटैटोस। अरे बाप, आलू बेच रहा है सर, आजकल तो आलू का दाम ही नहीं है मार्केट में, आलू वाले लोग बहुत मतलब चिंता में पड़ गए। मीनू मतलब इतना प्रोडक्शन हुआ इस बार आलू। मीनू अ सप्लायर इन महाराष्ट्र इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ पोटैटोस प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ आवर ओन लैंड विद इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो आउटसाइड महाराष्ट्र। पोटैटो बेच रहा है अपने जमीन से, महाराष्ट्र में भी बेच रहा है, महाराष्ट्र के बाहर भी बेच रहा है, तो क्या मीनू को रजिस्टर करना पड़ेगा? इसमें दो पॉइंट है सर, हाँ सर, पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं करना हुआ इसको, ये नॉन टैक्सेबल है।
आलू नॉन टैक्सेबल है सर, जो टैक्सेबल नहीं है तो वो अगर मतलब इंटरस्टेट में भी कर रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो भी नहीं, नहीं कहीं भी करे कुछ कहीं भी करे वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर टैक्सेबल नहीं है कहीं भी करे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है सर। तो जैसे पोल्ट्री का, जैसे चिकन का, चिकन में एग्जेम्पशन है तो उसमें अगर आप अदर स्टेट में भी सप्लाई कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर अच्छा, सिर्फ चिकन में काम कर, जो भी चिकन हो, जो भी जिसमें जो प्रोडक्ट टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं रहेगा उसमें आप किसी भी स्टेट में सप्लाई करो, आपको जीएसटी रजिस्टर करने का जरूरत है। अच्छा, सेक्शन 24 प्रोवाइड दैट, चलो आगे देखो पूरा प्रोविजंस को सुन लो एक बार। सेक्शन 24 प्रोवाइड दैट पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सेक्शन 24 प्रोवाइड्स दैट पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली अंडर जीएसटी लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। However, as per Section 23, an agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land, अगर उसके जमीन से ही वो निकाल रहा है, is not liable to registrations. Meenu is exclusively engaged in cultivation and supply of potatoes, thus he is not liable to registration irrespective of the fact that he is engaged in making interstate supply of goods. इस पॉइंट पे ध्यान रखना सर, ये पूरा एकदम क्लियर कट बताते हैं आपको, क्योंकि मीनू अपना ही जमीन का प्रोडक्ट, क्योंकि वो एग्रीकल्चरिस्ट है सर। अगर ये इसका अपना जमीन ना होता तो सर वो इन दैट केस, अगर किसी का अपना जमीन नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि वो एजेंट की तरह काम कर रहा है या फिर मतलब मार्केट में ट्रेडर की तरह काम कर रहा है, तो इन दैट केस में भी जनरेट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो जनरेट हो सकता है। फर्दर मीनू विल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन इन द गिवन केस Even if his turnover exceeds the threshold limit, अगर turnover cross भी कर जाए, कोई 20 लाख 40 लाख का जो turnover है, cross करने से भी उसको register करने का mandatory नहीं, ठीक है? In the current case, मतलब तो यही निकलता है, ठीक है? Case by case समझना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना है सर, छोटा छोटा changes भी नजर आता है। Jinu Oils, Gujarat, engaged in supplying machine oil, as well as petrol. Jinu Oils, जो गुजरात से हैं, जो मशीन ऑयल भी सप्लाई करते हैं, पेट्रोल भी सप्लाई करते हैं। फर्दर इट प्रोवाइड सर्विस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल टू कस्टमर। टोटल टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज 10 लाख, पेट्रोल 5 लाख एंड सप्लाई ऑफ सर्विस मशीन ऑयल सर्विसिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल को रिफाइन करके कस्टमर को दे देता है, मतलब एक सर्विस का कैटेगरी है, ठीक है? ये ऑयल रिफाइनिंग ऑयल नहीं, ऑयल को रिफाइन करता है। जैसे रिलायंस जो है सर, वो उसका सबसे बड़ा बिजनेस में से क्या है, क्या करते हैं वो, रिफाइंड पेट्रोल बनाता है ना। हमारे देश में क्या पेट्रोल डीजल बनता है सर? हमारे देश में पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस होता है? नहीं होता, मतलब जो 90% या मोर देन 90% पेट्रोल डीजल बाहर से लाना पड़ता है, अफ्रीकन नेशन से, अरबियन नेशन से, जहां तेल का कंट्री जो है, कुछ साउथ अमेरिका से, रशिया से, जिसके पास तेल का बहुत रिजर्व है, उसको लाके रिलायंस क्या करता है, उस तेल को रिफाइन करता है। और मजा का बात है कि रिफाइन करके इंडिया गवर्नमेंट को भी बेचता है और फॉरेन कंट्री को भी बेचता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रिलायंस का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है उनके पास, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी। सर चलो रिलायंस का कहानी अभी जरूरत नहीं। तो जीनू ऑयल्स गुजरात तीन तरह का काम कर रहे हैं सर, मशीन ऑयल, पेट्रोल एज वेल एज सर्विस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या उसको रजिस्टर करना पड़ेगा? इसके लिए क्या प्रोविजंस पढ़ाया मैंने आप लोग, बोलो सर। 20 लाख के ऊपर जाएगा तब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नीचे रहेगा तो नेसेसरी नहीं है। तो नहीं, ऊपर से पेट्रोल टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? पेट्रोल नॉन टैक्सेबल है, पेट्रोल तो नॉन टैक्सेबल है, मतलब वो जीएसटी के परिधि में है, लेकिन कब से लागू होगा उसका डेट नहीं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली अभी नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में है, जीएसटी का कोई रेट थोड़ी है टैक्स, मतलब पेट्रोल में कोई जीएसटी रेट लगता नहीं है अभी तक तो नहीं है। यस, परव्यू में, मतलब रखा गया परव्यू के अंदर कि कभी ना कभी लगेगा,
पता नहीं सर, ये कभी ना कभी कब आएगा, अगर आ जाए तो थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन सर सेंट्रल राजी है, स्टेट नहीं मांग रहा है। हम लोग सेंट्रल को गाली दे देते हैं, नॉर्मल बात है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो उन्हीं के हाथ से निकलते हैं, लेकिन स्टेट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। स्टेट में राजनीति हो जाता है, बिहार में नीतीश राजनीति कर लेगा, बंगाल में दीदी राजनीति कर लेगा, हाँ साउथ इंडिया में साउथ इंडियन पार्टी, तो बिहार बन गए, आज तो बिहार बन गए, आज बिहार बंद है, क्यों रे? मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया इसके कारण। अरे बाप रे बाप, मनीष कश्यप के कारण बिहार बंद ही हो गया। यस सर, और मानना पड़ेगा। Section 24 specifies the category of persons who are required to be mandatorily registered under GST respective of the quantum of the aggregate turnover. In the given case, genuine oils does not fall in any other specified categories, therefore it is not required to obtain registration compulsory under GST. However, as per the Section 22, with notification number 2019, CT dated this to that, supplier is liable to register under state from where he makes a taxable supply of goods or service, if his aggregate turnover in financial year exceeds the threshold limit. अब threshold limit क्या है? Threshold limit क्या है? अगर आप special category में हो, like Mizoram, Tripura, Manipur, Nagaland, तो आपके threshold limit है 10 लाख। अगर आप non-special में हो, तो 20 लाख। Rest of India में, अगर goods के case में कुछ state में 40 लाख नहीं। Thus the applicable threshold limit for the state of Gujarat is 20 lakh for the supply of both goods and services. Further, the aggregate turnover includes exempted turnover of the goods and services. मतलब इसके अंदर exempted भी था। तो अकॉर्डिंग टू जिनुअल इसका जो रजिस्ट्रेशन का मैटर आता है, ओवरऑल कितना तक का सप्लाई कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है जिनुवाइल्स का? 20 लाख क्रॉस कर रहा है सर, 10 लाख मशीन ऑयल का, 5 लाख पेट्रोल का, 6 लाख सर्विस का। तो 10, 5, 15 और 6 कितना होता है? 21 लाख होता है। सर ओवरऑल लिमिट क्या है टर्नओवर का? 20 लाख। सर आप कोई बोलेगा सर पेट्रोल तो नॉन टैक्सेबल है, तो पेट्रोल को बात दिया जाए, लेकिन देखो सर गलती कर बैठे, हाँ गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, यहाँ पर दिल नहीं किया, दिमाग गलती किया। क्या गलती कर दिया सर? हाँ विश्वजीत, क्या गलती हो गया? सर जब एग्रीगेट टर्नओवर सिखाए थे भूल गए सर, ये देखो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के टाइम पे टैक्सेबल सप्लाईज भी लिया जाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी लिया जाता है, एक्सपोर्ट को लिया जाता है और इंटरेस्टेड सप्लाईज को भी लिया जाता है। पर्सन हैविंग द सेम पैन और कंप्यूटेड इन ऑल इंडिया बेसिस। एक्सक्लूड क्या होता है सर? सीजीएसटी एक्सक्लूड होगा, एसजीएसटी एक्सक्लूड होगा, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एक्सेट्रा, मतलब टैक्स में टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे। और साथ में अगर आप कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, आरसीएम के तहत रिवर्स चार्ज फॉर्म करते हैं, जो नॉर्मली हमारे देश में क्या है, सप्लायर टैक्स चार्ज करते हैं, सप्लायर टैक्स को गवर्नमेंट के घर में पे करता है, सप्लायर पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तो रिसिपेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको कभी भी इन वैल्यू के साथ काउंट नहीं करेगा। मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि आप एट ए टाइम में आप सप्लायर भी होते हो, कभी 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 किसी किसी केस में रिसिपेंट भी बन जाते हो। तो एज ए रिसिपेंट अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज के तहत अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई के कारण टैक्स को कलेक्ट किया, तो उसको जरूर मतलब कृपया वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में काउंट ना करें। इनको छोड़ के बाकी चीज आप ऐड होगा, तो हमारे इस केस में गुजरात वाला झीनू ऑयल्स में, गुजरात वाला झीनू ऑयल्स में क्या होगा सर? सारा का सारा ऐड करना है ना, गलती कर बैठे ना, दिल नहीं दिमाग गलती कर बैठ, तो गाना गाओ, गलती कर बैठा दिमाग, दिमाग गलती कर बैठा है। सर गाना आप गाइए, हम लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मैं गंदा बच्चा हूँ, ठीक है चलेगा, चलेगा सर चलेगा। अच्छा तो फिर हम लोग कहाँ रह गए? ये आगे जीनू ऑयल सब गुजरात एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ मिशिंग ऑयल। तो फिर क्या हुआ जीनू का केस? 21 लाख में आ गए ना ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर आप 21 लाख कैटेगरी में आ जाते हो, तो जीनू ऑयल इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 20 को क्रॉस कर गया, ब्रैकेट में लिख दिया,
आपको भी लिखना है एग्जाम में इंक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल में जीएसटी नहीं है सर, सिर्फ इसके ऊपर स्पेशल एक क्लास है. अगर आप लोगों के पास जीएसटी का प्लेलिस्ट है, न्यू प्लेलिस्ट में भी हो सकता है. इसमें एक स्पेशल केस स्टडीज कराया था मैंने, आप लोग एक बार चेक करिएगा कि क्यों पेट्रोल में जीएसटी नहीं है. उनका मेरा स्पेशल केस था, हो सके तो जरूर देख के रखिएगा. ठीक है, केस स्टडीज को दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज होना चाहिए. बिना नॉलेज के बिना लोग फालतू में पॉलिटिक्स करता है और पॉलिटिशियंस इनको गुमराह करता है. पता है आपको पॉलिटिशियन कैसे गुमराह करता है लोगों को? जो नॉलेजेबल नहीं होते उनको गुमराह करेगा. 2021 में स्टेट वोट के टाइम पे बहुत सारे स्टेट में पेट्रोल का दाम बढ़ गया था, वो सबको बताएं कोरोना के बाद. तो 2021 में वोट के टाइम पे कितने सारे स्टेट में सिर्फ पेट्रोल डीजल को मुद्दा बना के वोट लड़ा के आंसर. लेकिन स्टेट ये बात बोलता ही नहीं है कि हम लोग पेट्रोल पे जीएसटी लगाते हैं 30% से भी ज्यादा. पता है आप लोगों को, सिर्फ सेंट्रल को किसी भी तरह से छोटा करना है. ठीक है, पॉलिटिक्स है, खेल खेला जाएगा, हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है. हर कोई अपना जीत के लिए कुछ भी करेगा. लेकिन मेरे को पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पब्लिक से प्रॉब्लम है कि पब्लिक अपने दिमाग से क्यों नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं है. मतलब अगला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, या सर पे सिलेंडर का एक फोटो लगा के गैस का दाम बढ़ रहा है ही मुद्दा बना के वोट लड़ा जाता है. तो मुद्दा ठीक है, मुद्दा में प्रॉब्लम नहीं है. जेन्युइनली सिलेंडर का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, मुद्दा बन सकता है. लेकिन मुद्दा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्यों बढ़ा है. अच्छा, क्या इस बढ़ने पे सिर्फ सेंट्रल का हाथ है, क्या स्टेट का कोई हाथ नहीं है? ये बात लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि सब पे जीएसटी टैक्स लॉ थोड़ी पढ़ के आता है सर. छोड़ो सर, सर आप पढ़ेंगे क्या सबको? सर मौका मिले तो दुनिया को पढ़ा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सब पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, सीखने का इच्छा चाहिए, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट का खेल तो नहीं चल रहा है. यस, आगे बढ़ते हैं सर. और क्या था, और एक स्पेशल पॉइंट था, कहाँ चला गया मैं, कहाँ से भागे भागे इधर उधर क्यों जा रहा हूँ. अच्छा, टीलू 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 क्या कर रहा है सर? सर टीलू इज वर्किंग एज एन एजेंट, ही इज अ टैक्स सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टीकू. अरे वाह, क्या नाम दिया है, टीलू एंड टीकू. तो टीलू कौन है? एजेंट है. टीकू कौन है? प्रिंसिपल है. हु इज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन. कौन? टीकू रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन. एंड उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं करना. तो अगर टीकू का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं कर, सॉरी टीकू का नहीं, किसका? टीलू इज वर्किंग एजेंट, ही सप्लाई टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टीकू. अच्छा, टीलू सप्लाई कर रहा है. तो टीलू का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं करना, बट टीकू एक रजिस्टर्ड पर्सन. द क्वेश्चन इज दैट, क्या टीलू एज एन एजेंट रजिस्ट्री करना पड़ेगा उनको जीएसटी में? टीकू रजिस्टर्ड है, टीकू ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, टीकू का प्रोडक्ट टीलू सेल कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स है. अच्छा, टोटल टर्नओवर टीलू का 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, टीलू का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या टीलू को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सर? सेक्शन अभी अभी पढ़े, ये एपीएमसी के टाइम पे ही पढ़ा रहा था. सेक्शन 24 कहता है, जो भी टैक्सेबल सप्लाई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्संस वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली अंडर जीएसटी लॉ, देयरफॉर टीलू विल बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. क्योंकि टीलू का टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट टीकू तो रजिस्टर्ड है. और टीलू किसका प्रोडक्ट बेच रहा है? टीकू का. टीकू क्या है? रजिस्टर्ड है. टीकू ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो सेक्शन 24 कहता है, द पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली अंडर जीएसटी लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर. तो अगर आप किसी दूसरे के बिहाफ में करोगे तो टर्नओवर मैटर नहीं करता. मतलब एजेंट के केस में, एजेंट के केस में पॉइंट बी नोटेड, अगर प्रिंसिपल अगर रजिस्टर्ड है
तो सिंपल बात है, एजेंट भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है तो इन दैट केस एजेंट के केस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट मुश्किल यही है कि एजेंसी देने के टाइम पे अगर आपके पास प्रॉपर जीएसटी का पेपर नहीं है, आप एजेंसी भी ट्रांसफर नहीं कर पाओ, मतलब एकदम वैलिड एजेंसी बना नहीं सकते आप। बोलो सर, क्लियर है बात? यस सर। सबको माथा में गया, दिमाग में घुसा, दिल में गया? सर। बोलो सर। ये होता है जीएसटी के बारे में अलग अलग बातें, जिसको दिल में दिमाग में भरना चाहिए। सर प्रोसीडियर बताओगे क्या? यस बताएंगे ना, सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27, 25, 26, 27, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीडियर के बारे में बात करता है। सर क्या बात करता है ये 25, 26, 27 के कारण? सर कितने लोगों का पेट चलता है आपको पता है? तीन सेक्शन सरकार ने बना दिया, लोग अपना पेट भर रहा है इससे। पेट भरना मतलब रोजी रोटी कैसे होता है सर? चलो दिखाते हैं। अगर गवर्नमेंट ये नियम ना लाता तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम कैसे चलता? हाँ, जीएसटी का काम करके सीएससी सीएमए का कैसे होता, प्रैक्टिस कैसे बनता? तो एक तीन सेक्शन ने ही पूरा खेल खेल के रख दिया। ये सेक्शंस को प्यार करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सर क्या बोलते हो, सेक्शन का पूजा आज तक नहीं सुनी? चलो सर, तो मजाक से बोल रहा हूँ। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 25 रीड विद रिलेवेंट सीजीएसटी रूल। रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी रूल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एट रिलेवेंट प्लेसेस। फर्दर स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशंस ऑफ सीटीपी। सीटीपी कौन होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एंड एनआरटीपी, एनआरटीपी कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर ये लोग कौन है, कहां से आ गया? अरे कैजुअल वाले मतलब जो लोग रेगुलरली बिजनेस नहीं करता, कभी कभी करता है, उनको कैजुअल वाले बोलते हैं। और एनआरटीपी मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। सर रेसिडेंशियल सीट कहाँ से आ गया? अरे इनकम टैक्स में नहीं पड़े आप लोग, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, अभी तो बेसिक्स में वही चल रहा है। माथा खा लिया आप लोग, वही तो माथा खाना समझते हो, मतलब जिंदा खाना नहीं बाबा, बोलते ना दिमाग का दही बनाते हैं उसको, गलत मीनिंग ना निकाले। अच्छा, अंडर सेक्शन 27 उनके बारे में भी बोला है, स्पेशल प्रोविजन, जो रोज रोज बिजनेस नहीं करता, कभी कभी करता है, एनआरटीपी या सीटीपी, बट इनके बारे में बोलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन इलैबोरेटेड अंडर सेक्शन 26। कुछ केस में रजिस्ट्रेशन है मान लिया जाएगा, मतलब ना भी करोगे तो भी डीम्ड है, मतलब माता खराब हो गया, नहीं किया फिर भी डीम्ड। हाँ, डीम्ड का मतलब वही होता है, ना भी है फिर भी करना पड़ेगा। अंडर जीएसटी द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.government.in। सर ये तो आप रोज दिखाते रहते हो। हाँ सर, आप भी देखते रहिएगा, रोज एक बार करके इसके अंदर जाइएगा, जो भी आपको समझ में आएगा करते रहिएगा, और या फिर सीबीआईसी के साइड में रोज जाइएगा, जो भी समझ में आएगा करते रहिएगा, ठीक है। बेसिक सर्फिंग भी बहुत काम का है सर, कब क्या मिल जाए। ए लार्ज नंबर इन फॉर्म्स फॉर्मेट्स रिलेटिंग रजिस्ट्रेशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन सीजीएसटी रूल। ये जो जीएसटी के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बोला है, कहाँ बोला है? सीजीएसटी रूल में बोला है। फॉर एवरी प्रोसेस इन द रजिस्ट्रेशन चेन सच एज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट, क्वेरी, रिजेक्शन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन, रिप्लाई, कैंसिलेशन अमेंडमेंट, फील्ड विजिट रिपोर्ट एटसेट्रा, देयर आर सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट्स है। अगर आपको अलग अलग फॉर्म के बारे में जानना है तो देखो सर, इंस्टीट्यूट खुद बोलता है आप लोगों को, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू वेरियस फॉर्म्स एंड फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन एट फॉर नॉलेज पर्पस। देखो मैं ही नहीं चिल्लाता, इंस्टीट्यूट भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आप लोगों को लगता है सर का दिमाग खराब है, रोज फालतू में बकता रहता है? नहीं सर, फालतू में नहीं बकता, काम का बकता हूँ। फालतू में बक के क्या होगा, ऐसे ही मेरा कितना खांसी हो रहा है आजकल पता नहीं। ये देखो अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी बेसिक एजुकेशन ले सकते हो। जो लोग नॉलेज ले रहे वो समझ पाएगा, नॉर्मल लोग देख के समझ नहीं पाएगा, ठीक है। पॉपुलर हेल्थ टॉपिक्स, हाउ कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशंस, हमको कॉम्पोजिशंस कैसे मिलेगा, इसके ऊपर मैंने बेसिक्स में भी बोला, कॉम्पोजिशन ले भी,
ठीक है, कौन कौन कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं, हाउ कैन आई यूज द रिटर्न ऑफलाइन टूल, हाउ डू आई अप्लाई फॉर रिफंड, पढ़ सकते हो यहाँ से जाके, हाउ डू आई फाइल इंटीमेशन अबाउट वॉलेंटरी पेमेंट, हाउ टू फाइल एन अपील, हाउ डू आई रजिस्टर विद जीएसटी, पूरा एकदम इसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, है ना, एफएक्यू, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ये किस तरह का, क्या आप नॉर्मल टैक्स पेयर्स हो, तो आपके लिए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस पे क्लिक करो, अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट ए, इसमें वीडियो भी है, इसमें वीडियो भी देके रखा है, सर गजब है सर, ये बेसिकली तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट, आप यहां से भी रेडी कर सकते हो, अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशन फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स, अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट बी फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर्स, कैसे क्या है वीडियो दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, नॉलेज बढ़ाओ सर, बस इतना मैं बोलूंगा, आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ सर, पीछे ना रहो, सारा सोर्स बता दूंगा आप लोगों को, जहां जो मुझे पता लगेगा मैं सब बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कॉम्पोजिशन में क्या है, कॉम्पोजिशन में क्या है, कहाँ चला गया कॉम्पोजिशन, ऐसे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स दिख रहे हैं सर, अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, अब इसके बारे में भी और स्पेशल एफएक्यू में जा सकते हो, यूजर मैनुअल देख सकते हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अभी मैं आपको बोला ना कैजुअल कौन होते हैं, जो रोज रोज नहीं करता उनके लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये आईएसडी कौन होते हैं, जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस करके काम करते हैं ना, उनको बोला जाता है सर, जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस करके करते हैं, यूजर मैनुअल में जाके क्लिक करोगे तो पूरा दिख जाएगा, नॉर्मल टैक्स पेयर्स, कॉम्पोजिशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एसीजेड डेवलपर, एसीजेड यूनिट, सर एसीजेड वाले कौन होते हैं, सर जो एसीजेड बनाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है सर, ये देश के अंदर विदेश है, मतलब देश का नॉर्मल जो मतलब टैरिफ एरिया जोन, टैरिफ एरिया मतलब जहां पर टैक्स लेके बिजनेस कराना पड़ता है, एसीजेड में क्या है, एसीजेड में रहने का टैक्स में फायदा होता है, आप अगर एसीजेड में अपना यूनिट बनाने का सरकार से अगर आपको मौका मिल जाता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत लोग अप्लाई करके रखते हैं, बड़े बड़े कंपनी विप्रो, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में विप्रो, टीसीएस, ये सब बहुत सारे कंपनीज बना है, एसीजेड में बना है क्यों, क्योंकि एसीजेड में ये कमाएगा पर सरकार के घर में टैक्स नहीं देगा, सर ऐसा क्यों, सर सरकार तो कभी ये चाहता नहीं है, लेकिन जब स्टेट के घर में जॉब का प्रॉब्लम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो कंपनी इसका बड़ा बड़ा कंपनी इसका फायदा उठाते हैं, क्या फायदा, वो स्टेट को बोलता है कि आप एसीजेड बनाओ, स्टेट के पास पावर है, स्टेट जिस पर्टिकुलर एरिया को एसीजेड बोल देगा, ठीक है, उस एरिया में मतलब जो एसीजेड घोषित एरिया है उस एरिया में जो भी कंपनी बनेगा वो बेसिकली देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एज वेल एज एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जैसे टीसीएस विप्रो वगैरह क्या करता है, आईटी एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इन लोगों को एसीजेड में मौका दिया जाता है, पर ये बोलता है कि दीदी, तो ममता दीदी को बोला था कि दीदी हमको एसीजेड दो तभी जाके हम बंगाल में खोलेगा, और ऐसे ही करके दीदी ने पहले बोला ना 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 ना, फिर बाद में बोला हाँ 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 हाँ, फिर दे दिया, और फिर एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम ऐसे होता ही रहता है, जिनका एम्प्लॉयमेंट देख ही रहे ना, एम्प्लॉयमेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन बंगाल, थ्रू आउट इंडिया है, ठीक है, हर स्टेट का अपना इशू है, लेकिन आप समझ रहे हो एसीजेड में क्या होता है, और एसीजेड डेवलपर एक्सपोर्ट करता है वैसे, तो जैसे कि अदानी एसीजेड डेवलप करने का काम करता है, इसके बारे में तो मैंने इनकम टैक्स में भी बोलता हूँ, आगे बोलूंगा, एक चैप्टर आएगा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, वहां पर एसीजेड के बारे में मुझे थोड़ा मौका मिलता है, इंटरनेशनल इसके बारे में भी बात करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है सर, सर देख रहे हैं ना आप लोग सोर्स, एकदम जाके देखते रहो, ये देखा जाता है, सबको समझ में आ रहा है सर, यस सर, अगर आप एनआरटीपी हो तो भी क्या करना है, ठीक है, जो है आप उसके हिसाब से क्या करना है यहाँ पर जाके, लेकिन सर देखो समझ तभी पाएंगे आप जब आपको जीएसटी का नॉलेज हो, नहीं तो क्या क्या चल रहा है, क्या एसीजेड सुनते सुनते माथा खराब हो जाए, एनआरटीपी सीटीपी कौन है ये लोग, भूत तो नहीं है,
ठीक है, तो पहले जानो फिर जाके आप इसके अंदर घुसो, आपको मजा आ जाए। ये लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर्मेट रजिस्ट्रेशन था आपने प्रेस्क्राइब करके रखा है जो आपको मैं भी दिखा रहा था। ठीक है, जीएसटी में कौन से काम के लिए क्या फॉर्म, जैसे एक टॉपिक आएगा रिटर्न फाइलिंग का, उसमें मैं फॉर्म को लेके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, वेयर एंड बाई वेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 बात करता है। पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, सर कहां पर, सर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में, व्हिच इज सो लायबल। नॉर्मली हम लोग रहते तो भारत में हैं, पर भारत के अंदर हम या तो स्टेट में रहते हैं या तो यूटी में रहते हैं, ये सर नो सर, हम रहते yes. हम रहते तो भारत में ही है, ऑब्वियसली भारत गणराज्य हाँ, या फिर इंडिया जो भी नाम से बोलो, नाम तो देश का भारत ही है सर, लेकिन इंडिया तो हम लोगों को फॉरेनर ने बोला ना, हम फॉरेन लोग हमारा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो हम लोग इंडिया में, वो लोग हिंदू हिंदू बोलता था, फिर हिंदू से बन गए इंदू, एक्चुअली ईरान के लोग हमें बोलता था हिंदू, फिर ईरान से जब ग्रीस का लोग अलेक्जेंडर का लोग इंडिया की तरफ बढ़ा, फिर वो लोग ना हिंदू प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, तो बोल दिया इंदू, फिर बाद में जब ब्रिटिश आ रहा तो बोले इंदोन इंदोन बोल के मेगास्थेनिस के इसमें मिल गया इंदोन। ठीक है, हम लोग इंदोन थोड़ी, हम लोग तो हिंदू है, इंडस सिविलाइजेशन में जो भी रहते हैं वो सभी को हिंदू बोला जाता है। ठीक है, इसमें धर्म का मैटर नहीं है, ठीक है, इसको रिलीजियस से ना जोड़े सर, इतिहास है, सच्चाई है। तो पॉइंट इज दैट कि जो कोई भी सिंधु रिवर के बगल में रहता था वो हर कोई हिंदू कहलाता था ईरान के कर लोगों से, फिर बाद में सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंदू, इंदू से इंदोन, इंदोन से इंडियन, इस तरह से ब्रिटिश हमारा नाम रख दिया इंडियन। ठीक है, बट हम लोगों का देश का नाम भारत ही, और बाद में जो लोग मतलब इसको हिंदुस्तान भी कहा गया बहुत सारे लोगों के इसमें, क्योंकि हिंदुओं का स्थान था इसलिए नाम पड़ गया हिंदुस्तान, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये भारत का सच्चाई है। अब बात ये है सर, ये जो देश है ये देश में हम लोग रहते हैं, बट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी, या तो आप भारत के अंदर किसी स्टेट का पार्ट हो या फिर आप किसी यूनियन टेरिटरी का पार्ट। अच्छा, यूनियन टेरिटरी से ज्यादा है, देखो सर भारत से इतना दूर यहाँ पर भी एक यूनियन टेरिटरी, क्या नाम है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है, तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ का करना पड़ता है। भारत से थोड़ा दूर एक यूनियन टेरिटरी है, कहाँ 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 जाए, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, ये देख पा रहे हो सर, ये तो मालदीव आ गए, नहीं इधर नहीं, इधर ही है केरला के पास लक्षद्वीप, जानते हो आप कवरत्ती इसका कैपिटल है, बहुत सुंदर जगह है इसका, ये कवरत्ती देख रहे हो, ये इसका कैपिटल सिटी है लक्षद्वीप, ठीक है, तो ब्यूटीफुल आइलैंड जो भी। अच्छा, तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया या स्टेट के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सर समझ गए सर, घुमा क्यों रहे सर, कभी कभी आप लोगों का माइंड को भी हल्का मिल जाता है, मेरे को भी थोड़ा घूमने का मौका मिलता है, नहीं तो सेक्शन में ना माथा खराब हो जाता है। छोड़ो सर, 25 सबसेक्शन 1, पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 इन एवरी सच स्टेट और यूटी व्हिच ही इज सो लायबल। अच्छा, कब करना है, जैसे ही आपका टर्नओवर हो जाए ना, 22 स्पेशल कैटेगरी के लिए, नॉर्मल के लिए 24 है ना, मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा इनके लिए 22 और बाकी लोगों के लिए 24। ठीक है, जैसे ही आपका टर्नओवर लिमिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख का कैटेगरी क्रॉस करता है, यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड। कितने दिन के अंदर है भाई, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशंस। और सीटीपी और एनआरटीपी मतलब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, रेगुलर बिजनेस नहीं करता बट कभी कभी टैक्सेबल प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, इनके केस में एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आप फॉरेन से आते हो, एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट बंदा हो, इंडिया में आके प्रोडक्ट बेचना है, एनआरटीपी कैटेगरी में हो, नॉन रेसिडेंट 5 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करने से कम 5 दिन मैक्सिमम जितना दिन लेना चाहते हो, कम से कम 5 दिन आके टैक्स रजिस्ट्रेशन करो,
और इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट करो, वही आपको मना नहीं करता। के समझ में आ गया सर? आया समझ में? किसी का आवाज तो है, कोई है या नहीं? अकेले ही बोल रहे क्या? यस सर। यस सर, है सर। अरे बात रही है सर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सब मेरा कहानी सुनते सुनते, जैसे बचपन में हम लोग नाना नानी का स्टोरी सुनते सुनते सो जाते थे ना, तो मुझे वैसे कभी लगता है आप लोग सो तो नहीं गए, क्योंकि ऐसे ही है। जीएसटी अकाउंट्स कॉस्ट का बात अलग होता है, फाइनेंस का बात अलग होता है, जीएसटी है सर। रूल्स रेगुलेशन सेक्शन, स्टूडेंट ऐसे ही थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं। सुगम सर्विस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली, लेकिन एक बात है सर, जीएसटी कैश कॉ है, समझ रहे सर? मैं बोला ना 25, 26, 27 तीन सेक्शन बना के लोगों का रोजी रोटी बना दिया सर। आज गवर्नमेंट जीएसटी और इनकम टैक्स को बना के कितना लोगों का रोजी रोटी बनाया आपको मैं क्या बताऊं। इनकम टैक्स प्रिपेयरर, ठीक है, टीआरपीस बोल के कॉन्सेप्ट है, जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कहा जाता है उनको, ठीक है, जो सीएसईएमए से भी साइन नहीं करा सकता, जो सीएसईएमए का फीस नहीं भर सकता, वो नॉर्मल टीआरपीस से करा सकता है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, इसका भी एक एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जाम पास करके कोई टीआरपीस बन सकता है, और वो बहुत ही नॉमिनल फीस में सैलरीड पर्सन का, पीजीबीपी पर्सन का, और वो सीएसईएमए के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ पर ऑडिट करवाना होगा सीएसए ऑडिट करवा के लेके देगा, जहाँ नॉर्मल उसका काम हो जाएगा सिर्फ रिटर्न फाइल करके देगा, तो जो सीएसईएमए का हाई लेवल फीस नहीं दे सकता वो टीआरपीस से काम करवाता है। जीएसटी का तो क्या काम है बोलो सर, बहुत काम। ऐसे भी आप लोगों का बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो शायद सीएसईएमए सोच के चिंता में पड़ जाता है, उनको आप मोटिवेट करो कि भाई कम से कम आप जीएसटी पढ़ लो, इनकम टैक्स पढ़ लो, और इनके नॉलेज लेके कुछ एग्जाम सर्टिफिकेट एग्जाम लेके आप प्रिपेयरर बन जाओ, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन जाओ। मौका है और ये सब मौका दे रहा है सर। ऑलरेडी इंडिया में 1.5-2 लाख ऐसा ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं जो इनकम टैक्स प्रिपेयर का काम करते हैं और अच्छा इनकम कर लेते हैं। सुगम सर्विस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली, कहाँ? दिल्ली, दिल्ली है मेरी जन्म। द टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीड 20 लाख ऑन 1st November, 1st नवंबर को 20 लाख क्रॉस कर रहा। इट इज लायबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बाय, कब तक? 30 दिन के अंदर, 1st नवंबर से 1st दिसंबर, कितना दिन का टाइम पीरियड हो? 30 दिन, ठीक है, विद इन 30 डेज टर्नओवर क्रॉस कर गया, कर लो रजिस्टर, नहीं तो जैसे 18 क्रॉस करते ही वोट का अधिकार लेना है तो बना लो अपना वोटर कार्ड, वैसा ही बात है सर। तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, कहाँ लिखा है सर? सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, रीड विद रूल 11, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, दैट इज देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन स्टेट में ही होता है, के लिए स्टेट जीएसटी लॉ है। ठीक है, द बिजनेस एंटिटी, हम लोग सर नॉर्मली सीजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेट जीएसटी जब कोई स्टेट लेवल में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा बहुत स्टेट नियम कानून इसके अंदर आपको मिलेगा, और ओवरऑल जो सिस्टम में आप सीजीएसटी आईजीएसटी का पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टेट जीएसटी भी ऑलमोस्ट सेम है, बट लिटिल बिट डिफरेंस स्टेट का पावर के बारे में बोला गया। जो लोग जीएसटी का एग्जाम देता है ना, जो नासिक लेता है मतलब इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें भी सीजीएसटी आईजीएसटी एज वेल एज स्टेट जीएसटी को भी पढ़ाना है। रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, मैं दिखाता हूँ आपको, जीएसटी का एग्जाम जो होता है ना ये इंस्टीट्यूट लेता है, मतलब ये हर कोई करता है, इवन सीएसईएमए भी करता है जो जीएसटी का रिटर्न फाइल का ये लेना चाहता है प्रैक्टिशनर का, इसके लिए आपको जाना पड़ता है नासिक में, जीएसटी भी एग्जाम होता है। सर क्यों इतना दिखाते हो, क्या पता कब किसको काम आ जाए, कभी आपको आ सकता है, आपका फ्रेंड को, भाई बहन को, दिखाई दे रहे सर? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इंडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स, जो लोग आईआरएस बनता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस,
जो DTITT पे काम करते हैं ऑफिसर लेवल पे सरकारी, इनका भी ट्रेनिंग यही इंस्टीट्यूट कराते हैं, देख रहे सर IRS ट्रेनिंग। और इसी इंस्टीट्यूट के तरफ से, इसी इंस्टीट्यूट के तरफ से ठीक है GSTP और CBLR का एग्जाम होता है। CBLR मतलब कस्टम्स के लिए होता है, और कस्टम्स में जो आपका कस्टम ड्यूटी वाला टैक्स है वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, कस्टम के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। CS और CMA तो इंटर और एग्जीक्यूटिव में ही हल्का फुल्का ले लेता है, CA को कस्टम का नॉलेज फाइनल में मिलता है, लेकिन ये नहीं सर GST प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन ठीक है। यहाँ पर जब भी उन लोगों का फॉर्म निकलता है भरना पड़ता है, फिर एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और आपको GST का लाइसेंस मिल जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना यहाँ पर, कहाँ चला गया, ये देखो GST प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन देख रहे हो, रजिस्टर नाउ ठीक है। टैक्स पेयर यहाँ रजिस्टर करेगा, हम लोग अभी टैक्स पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिशनर को भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो प्रैक्टिशनर यहाँ पर रजिस्टर करेगा GST प्रैक्टिशनर। इनकम टैक्स के केस में भी आपको मैं एक चीज दिखा दे रहा हूँ, इनकम टैक्स के केस में भी इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसमें आपको ये देखो, ये हर किसी का इंडिविजुअल कंपनी नॉन कंपनी के लिए डिटेल्स है। अच्छा, जो लोग इनकम टैक्स रिवाइज करना चाहते हो उनको बता दूं, अगर आप लोग थोड़ा पढ़ चुके हो, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप किसी भी पर्टिकुलर, जैसे सैलरीड एम्प्लॉइज के बारे में जानना है ना, आप सैलरीड के बारे में क्या रेट चल रहा है करेंटली, ये अपडेटेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी हुआ है वो मिल जाता है। टैक्स लैब्स में जाओगे, डिडक्शंस में जाओगे, आपको पूरा एक के बाद एक सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये हम लोग रिसेंटली डिडक्शंस कंप्लीट किए ना, तो आप यहाँ पर जाके ना आपको अच्छा लगेगा पढ़ने के टाइम पे कौन सा सेक्शन पे क्या लिमिट है, ये देखो 80C, 80CCC ठीक है। और इसमें आपका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, किस किस में लगता है सारा दिया हुआ है, मजा आएगा पढ़ने में। 80CCC 1B, 80CCD सबसेक्शन 2 क्या लिमिट है सब बोला हुआ है, 80D, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB सब दिया हुआ है। तो फॉर रिविजन पर्पज बहुत इंटरेस्टिंग है सर। मैं जो बोलने जा रहा था कि देखो सर, टैक्स प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्ट्रेशन करेगा हम जो टैक्स का काम करेगा ठीक है, या फिर जो भी दूसरा कोई भी प्रोफेशनल वो भी करता है जो टैक्स रिलेटेड काम करते हैं ठीक है। तो इस तरह से GST में, इनकम टैक्स में ठीक है, सब स्पेशलाइज्ड एरिया है सर ठीक है। चलो सर, आज थोड़ा पता नहीं सब याद आ रहा है तो बोल दे रहा हूँ, रोज तो याद नहीं आता। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर CSEMA एटलीस्ट इंटरमीडिएट, आप लोग अगर IRS का भी तैयारी करोगे कर सकते हो, डबल बेनिफिट, जो जिनका सोच थोड़ा ऊंचा का है कर सकते हो बिल्कुल। इवन फाइनल के बाद कर लो, CSEMA कंप्लीट कर लो, उसके बाद CSEMA तीनों कंप्लीट जो भी जो कर रहा है उसके बाद IRS का तैयारी कर लो। अगर बहुत बड़ा लेवल पे जाना है मतलब सरकारी ऑफिसर लेवल में जाना है, अगर कुछ नहीं तो कम से कम प्रैक्टिशनर बनना है तो बन ही सकते हो, ऐसे तो CSEMA के पास मौका ऑलवेज होता है। अच्छा, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, ये नियम है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई रूल नहीं है। रजिस्ट्रेशन नीड्स टू बी टेकन स्टेट वाइज, दैट इज देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर GST। अ बिजनेस एंटिटी हैविंग इट्स ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट विल हैव टू टेक सेपरेट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। फर्दर, विद इन अ स्टेट एन एंटिटी विद डिफरेंट ब्रांचेस shall be granted single registrations wherein it can be declared one place as principal place of business. क्या कहता है? Business entity जिनका multiple branches in multiple states will have to take separate state wise registration for its branches in different state. हर branch का अलग अलग state का registration लेना पड़ेगा। Further कहता है, within a state अगर एक ही state के अंदर different branches है, ऐसा भी होता है, आपका West Bengal के अंदर भी चार city में अलग अलग branch हो सकता है, या फिर इंडिया के अंदर भी 4-5 स्टेट में 10 स्टेट में अलग अलग ब्रांच हो सकता है ना। तो अगर आपको सेम स्टेट में है तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लो, वेर इन इट कैन डिक्लेयर वन प्लेस एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या PPOB बोल, और बाकी को APOB बोल, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। बोलो सर, बात क्लियर हुआ? यस सर। सर क्योंकि देखो ये सब नॉलेज रहेगा तो गाइड कर पाओ, है ना, किसके लिए क्या जरूरी है, और यही तो कंसल्टेंसी है।
एक्सपर्ट क्या है, कंसल्टेंसी चार्जेस लेता है जो बाकी लोग नहीं ले पाता, वो तो फिर सिर्फ रिटर्न फाइल करेगा, अकाउंट्स को मेंटेन करके रिटर्न फाइल, नथिंग मोर। और आजकल के रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर करता है, एक महीना प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको एडवाइजर बनना है तो ऐसे नॉलेज लेना है। मेरा हिसाब से पर्पस बड़ा करो, एग्जाम तो छोटा चीज है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट यूटी मे बी ग्रांटेड, ऑल्दो अ टैक्स पेयर हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच such places of business in the state. He has an option to obtain independent registrations with respect to each such separate place of business. However, separate registrations for each place of business shall be granted, provided all separately registered place of business of such person pay tax on supply of goods, service or both. जो भी वो supply करता है, हर किसी का अलग अलग करे तो separate separate कर सकता है। To another registered place of business of such person and issue a tax invoice, bill or supply. हर कोई अगर अपना अलग अलग invoice और bill of supply करे तो हर कोई कर सकता है। Separate registration application needs to be filled for each place of business. हर किसी का अलग अलग करना पड़ेगा, हर एक ब्रांच का अलग अलग करना पड़ेगा, हर का बिल वगैरह अलग होगा, बिल ऑफ सप्लाई भी अलग होगा, एवरीथिंग, चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे यूनियन टेरिटरी के अंदर, ये भी ऐसा भी दिया जाता है। बात समझ में आया? हेलो, अगर आपको और फॉर्म के बारे में जानना है, मैं आपको बताया ना कैसे आपको डिटेल्स का पता चलेगा, gst.government.in में जाके आप पढ़ाई कर सकते, आपका नॉलेज एनहांस करेगा, बहुत फायदा होगा। The provisions of rule 9 and 10, ठीक है, relating to verification, grant of registrations, आगे बात करते हैं, mutatis mutandis, apply to an application submitted under this rule, तो क्या rules regulations follow करके करना है, उसके बारे में section rule 9 and 10 में बोला। अब यहाँ पर मैं आपको एक केस के बारे में बोलता हूँ। क्या नाम है, मीठा लाल एंड सन्स, ठीक है, अ सप्लायर इन महाराष्ट्र हैज थ्री ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे एंड महाबलेश्वर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, कभी मौका मिले तो घूम के आना, बड़ा ही मजेदार जगह है, मतलब बहुत सुंदर है, वेस्टर्न घाट्स पे, पता है आप लोगों को, पता नहीं है तो जाना, पता है तो और एक बार चले जाओ। थ्री ब्रांचेस मुंबई, पुणे एंड महाबलेश्वर। Mumbai and Pune branches are engaged in supply of garments and Mahabaleshwar branch engaged in supply of shoes. So Mahabaleshwar India mein sabse zyada kya banata hai jante ho, cherry banata hai, cherry, ye cherry growth hai na, cherry ka jo fruit hota hai largest hai, cherry, strawberry, ye sab production mein bahut acha hai. Either it can obtain single registrations for Maharashtra, matlab wo kya karega, tino hi Maharashtra mein, Mumbai bhi Maharashtra mein, Pune bhi Maharashtra mein, Mahabaleshwar bhi Maharashtra mein, ठीक है, तो तीनों के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेगा महाराष्ट्र, डिक्लेरिंग वन ऑफ द ब्रांचेस एज पीपीओबी, लेट्स से मुंबई ऐसी फाइनेंशियल कैपिटल है, महाराष्ट्र का भी कैपिटल, तो मुंबई को ये अपना क्या बना लेंगे, पीपीओबी बना लेंगे, और पुणे और महाबलेश्वर को एपीओबी बना लेंगे, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और इट कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द थ्री ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे, महाबलेश्वर, हर एक का अलग अलग। In case Mittal and Sons opts to have a separate registration for its all three branches, and Mumbai branch sends some garments for sale to Pune branch, Mumbai branch must raise a tax invoice and pay tax on such transfer for garments to Pune branch. I hope you understand. मतलब ये कहना चाहता है कि भले ही Mittal and Sons एक ही कंपनी है, but अगर तीनों ब्रांच का
चलिए मैप से देखते हैं, अच्छा लगेगा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है देखो सर। थोड़ा मुंबई घूम के आते हैं, हाँ मुंबई पुणे और महाबलेश्वर घूम के आते हैं सर। सर घुमा दो सर, ओरिजिनल तो नहीं जा रहे अभी, घुमा दो सर। दिख गया आपको तीनों जगह, ये रहा पुणे, ये रहा मुंबई और ये रहा महाबलेश्वर, ठीक है। तीनों ही मीठा लाल का जगह है, मतलब तीनों जगह में ही मीठा लाल का बिजनेस है। अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया फॉर द होल महाराष्ट्र तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई को बनाएगा, पुणे और महाबलेश्वर को एडिशनल प्रिंसिपल मतलब बिजनेस बना ले, और ये हेड ऑफिस हो जाएगा, बाकी एडिशनल हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर मुंबई ब्रांच पुणे ब्रांच को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करता है या पुणे से महाबलेश्वर में कोई आता है तो इसमें इनवॉइस रेज करने का जरूरत नहीं है, सिंपल ब्रांच ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों का सेपरेट, अब ब्रांच ट्रांसफर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये आप लोगों को मैम के पास अकाउंट्स में पता चल जाएगा, ठीक है। ये अकाउंट्स में ब्रांच ट्रांसफर होता है ना, ब्रांच अकाउंटिंग, वहां पर सीख लेना। लेकिन अगर मीठालाल तीनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता है, मुंबई का अलग, पुणे का अलग, महाबलेश्वर का अलग, तो मुंबई ब्रांच अगर पुणे ब्रांच को कोई प्रोडक्ट सेल मतलब ट्रांसफर करेगा तो इसमें इनवॉइस रेज करना होगा और टैक्स भी चार्ज करना होगा जैसे वो बाकी लोगों को करता है, क्योंकि ये तीनों अलग एंटिटी माना जाएगा एज पर द लॉ। अब आप हिसाब करके देख लीजिएगा कि मतलब ये नॉर्मल बात है कि सर ये कौन से बिजनेस में क्या सही होता है, ये बिजनेसमैन अपने हिसाब से सोचता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया ना, ये बिजनेसमैन अपने हिसाब से देख लेता है कि मेरा क्या करने से सुविधा रहेगा। हो सकता है कि आपका सेल प्राइस कम लगा के बेचो आप, बट जो भी लगाओ वैल्यूएशन उसके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो तो लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं हमको आईटीसी में फायदा मिलता है तो ले लो, अगर नहीं है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम करो। क्लियर? यस सर। सर कॉम्पोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कॉम्पोजिशन लेवी मतलब आप रेगुलर टैक्स पेयर नहीं, मतलब आपका रेगुलर रिटर्न फाइलिंग का मैटर नहीं है, एनुअल एक रिटर्न फाइलिंग करने से चलता है पर एक लम सम में पे करते हो। इसके बारे में मैं आपको कहाँ बताता हूँ, इसके बारे में भी चार्ज ऑफ जीएसटी में बताया जाता है सर कॉम्पोजिशन लेवी। डोंट वरी, जो कर लिया वेल डन, जो नहीं किया कराएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो कॉम्पोजिशन होते हैं आईटीसी क्रिएट नहीं मतलब आईटीसी मतलब क्लेम नहीं कर सकते, सबसे बड़ा बात। कॉम्पोजिशन लेवी कभी भी कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड रहेगा वो, जीएसटी में रजिस्टर्ड तो होगा पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, मतलब चार्ज ही नहीं करेगा तो कलेक्ट तो दूर की बात, और आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, नो आईटीसी। तो कहता है कि अगर कोई कॉम्पोजिशन लेवी में है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, so if a person is paying tax for one of his place of business under normal scheme he shall not pay tax under composition levy for any other place of business। agar koi banda tax pe hai for one of his place of business under normal scheme he shall not pay tax under composition levy for any other place of business। agar koi dusra business compositions pe hai to fir uske liye wo kyun tax payega, obvious baat hai। if one of the places of business जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, ऑल अदर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस सेड पर्सन वुड आल्सो बिकम इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। माने माने क्या है, माने ये है कि अगर मानो जैसे अगर मैं मुंबई पुणे महाबलेश्वर, ठीक है, वन प्लेस ऑफ बिजनेस सेपरेटली रजिस्टर्ड ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन becomes ineligible to pay tax under composition levy, ठीक है, तो वो compositions पे मानो कि पुणे compositions पे, so all other registered place of business of said person would also become ineligible to pay tax under composition। मतलब अगर एक place compositions में आ जाएगा तो बाकी भी compositions में आ जाएगा, अगर एक place compositions में आ जाएगा तो अगर वो मतलब कब आएगा, अगर वो compositions में tax pay करने में मतलब नाकाम रहे। If one of the place of business separately registered of a registered person becomes ineligible to pay tax under composition levy,
ऑल अदर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सेम पर्सन, उसी बंदे का, वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन बिल. ये रूल कहता है. द प्रोविजंस ऑफ रूल 9 एंड 10 जो आगे बताते हैं रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल म्यूटेंटीज 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 का मतलब होता है कि अगर किसी चीज में आप नेसेसरी ऑल्टरेशन कर रहे हो तो मेन बात पे इफेक्ट नहीं करेगा. बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? बोलो सर. यस, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, बोलो. हेलो, कोई क्वेश्चन आ रहा था? बोलो सर, एनी क्वेश्चन? ओके सर, ठीक है. रूल 9 एंड 10 कहता है मतलब वेरिफिकेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ कहना चाह रहा है बट आवाज नहीं आ रहा है. यस, कौन? विश्वजीत कुछ पूछ रहा है क्या? सोनी? नो सर. ओके सर, म्यूटेटिव म्यूटेंटीज ये बार बार वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या बोला? तो सर म्यूटेटिव म्यूटेंटीज मतलब जरूरी चेंजेस, ठीक है, मेन बात को इफेक्ट ना करके जरूरी जो परिवर्तन या चेंजेस किया जाता है उसे म्यूटेटिव म्यूटेंटीज कहा जाता है. ये लैटिन फ्रेज है, बार बार आप लोग जानते हो लॉ में किस तरह से लैटिन फ्रेज यूज किया जाता है. सर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में बोला गया है वॉलेंटरीली. अगर आपका बेसिकली सिंपल बात, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस सेक्शन याद रख लो कि अगर आपका लिमिट क्रॉस करता है चुपचाप आके कर लो. सर अगर लिमिट क्रॉस नहीं करता है तो भी कर सकते हो, वॉलेंटरी है ना, लिमिट हो ना हो कर सकते हो. लेकिन एक बात का ध्यान रख, वंस अ पर्सन ऑब्टेन्स वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ही हैज टू पे टैक्स इवन दो हिज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख और 20 लाख और 10 लाख. अगर आप वॉलेंटरी रजिस्टर्ड करते हो इसका मतलब क्या है? क्या आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो? तो जीएसटी कलेक्ट करो और सरकार के घर में टैक्स, तो सिंपल बात. और जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो उसमें भी जीएसटी देते हो, है ना. वॉलेंटरी नॉर्मली वही लोग करता है जिनका टर्नओवर नहीं होता है, फिर भी क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है? देखो सर, अगर आप एक रेगुलर बिजनेस हो कर चलाते हो, मानो आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल उसका दाम है 100 रुपीज, आप उसको बाई करते हो परचेस करते हो और उस 100 रुपीज के प्रोडक्ट में 18% जीएसटी देते हो, तो आपको खरीद के लाना पड़ता है टोटल 118 टका खर्चा करके. पॉइंट इज दैट जब आप इसको सेल करते हो, मानो कि आप 118 में 100 टोटल आपका खर्चा पड़ा आपकी पॉकेट से 118, अब मानो आप इसको बेच रहे हो, थोड़ा वैल्यू एडिशन करोगे आप, तो मेनली आपको वैल्यू एडिशन करना चाहिए था 100 टका, उसके ऊपर मानो आप 30 रुपीज वैल्यू एडिशन करना चाहोगे, ठीक है, तो 130 और फिर उसके ऊपर 18%. लेकिन आपका जो कस्टमर है वो जीएसटी दे के खरीदना नहीं चाहता, तो मुश्किल क्या हो जाता है कि आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे जीएसटी एंड आपका कस्टमर, आप बेसिकली लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आपका कस्टमर है, तो मुश्किल क्या हो जाता है, जीएसटी देके खरीदना पड़ता है पर जीएसटी देके बेच नहीं पाते. ये एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे देश में क्योंकि वैरायटी सेगमेंट ऑफ कस्टमर होता है, तो मुश्किल क्या होता है कि आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाते एज ए सेलर, और ये तब मुश्किल में करता है आपको. तो इसलिए बहुत लोग क्या करता है, इसमें प्रॉब्लम है कि जीएसटी कलेक्ट करने के टाइम पे मैंने 18% टैक्स दिया बट बेचने के टाइम पे मैं जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता. जीएसटी कलेक्ट करने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एज ए सेलर, अगर मेरा कस्टमर मुझे देने के लिए रेडी हो. 130% करके जो भी मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा कितना हो जाएगा? 130% 100% पे 18% और 130% कितना होगा सर? अरे बोलो सर. 23.4. अब सरकार आपको बोलेगा कि भाई अगर आप कलेक्ट करते तो 23.4 सरकार के घर में जमा करना था, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास तो 18 का ITC है. तो ये रजिस्टर करने का फायदा है, ये जो 18 रुपीज का ITC आपके पास है, आप लोग ITC का क्लास जो लोग कर चुके हो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, इवन बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी ITC करा के रखा गया है.
सो 18.18 रुपीज आपके पास आईटीसी है, सो 23.4 से 18 माइनस करोगे तो कितना होगा, 5.40 रुपए 5.4। तो एक्चुअली सरकार के घर में आपको 5.4 जमा करना होगा अभी, लेकिन ये आईटीसी मिलेगा तब ना, मतलब अगर आप रजिस्टर्ड रहोगे तभी ना आईटीसी क्लेम करवाओगे, विदाउट रजिस्ट्रेशन आईटीसी क्लेम नहीं होता। इवन अगर आप कॉम्पोजिशन में भी होते हो तो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे केस में बैंक पेपर वगैरह में जीएसटी रजिस्ट्रेशन शो करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉम्पोजिशन में हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग ना जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फायदा है अगर कस्टमर टैक्स पे करेगा, भले ही टर्नओवर हो ना हो, बट फायदा है, आईटीसी क्लेम कर पाओगे आप। इसीलिए क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज यूजुअली ऑप्टेड बाय द बिजनेस फॉर इंश्योरिंग सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स, दैट इज द मेन। आईटीसी का पूरा फायदा उठा पाएगा, बिजनेस करने में भी सुविधा है, रजिस्टर होकर बिजनेस करने में बहुत फायदा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे जीएसटी क्योंकि ज्यादा दाम हो जाएगा, दाम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक तबके का लोग अभी भी जीएसटी से, स्पेशली लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, गरीब लोग इज नॉट रेडी टू पे जीएसटी इन बहुत सारे सेक्टर्स में, तो तब ये मुश्किल होता है, लेकिन ये इंडिया के लिए जरूरी भी है, ऐसे ही बर्डन होता है सर इनकम का। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं है इसके अंदर, सोचोगे तो समझोगे, मार्केट नॉलेज गैदर करो, मार्केट जाओ, क्या चीज पे जीएसटी लग रहा है, कौन सा चीज पे दुकानदार आपसे जीएसटी ले रहा है, दुकानदार से बात करो कि आप जीएसटी लेके बेच रहे हो कि चीज, मतलब आप खरीदने के टाइम पे जीएसटी दिया और बेचने के टाइम पे जीएसटी नहीं दिया, मतलब कलेक्ट नहीं किया, तो क्यों, क्या आप कॉम्पोजिशन में हो या फिर आप अनरजिस्टर्ड हो, तब पता चल जाएगा, सारा कहानी मार्केट में मिलता है, किताब तो बस जरिया है, किताब बस जरिया है, खबर तो मार्केट में होता है। क्या समझते हो सर, ये किताब में कुछ नहीं रखा है, ये जरिया है जानने का, बाकी सब चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में छुपा हुआ है। जैसे हम लोग हमारे मतलब अलग अलग किताब पढ़ते हैं, पढ़ाई स्कूल की किताब छोड़ के रिलीजियस किताब भी पढ़ते हैं हम लोग सोचते हैं किताब में जो है वही है, चाहे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, बट मैटर नहीं है सर, जो भी किताब पढ़ते हैं, चाहे जैसे हम लोग वेद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, अलग अलग किताब पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन वो तो किताब है, उसका फैक्ट रियल लाइफ, वैसा ही ये जीएसटी किताब में जरूर है, बट उसके एक्चुअल एप्लीकेशंस रियल लाइफ में। जैसे लोग हमारे नॉर्मल सोसाइटी में कहावत है सर, बोलते कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं, मैं बचपन में बात कुछ समझ नहीं पाता था कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, इस बात का सच्चाई है कितना है आई डोंट नो, बट ये आम लोगों के अंदर ऐसा एक कहावत है कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, तो मैं बचपन में सोचता था कि इतना बड़ा एक ग्रंथ है, एपिक माना जाता है भारत में, इसको घर में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि महाभारत में वार दिखाया गया है ना सर, कृष्ण भगवान मतलब कैसे मतलब नीरा मतलब जब किसी के ऊपर निर्जातन होता है तो उसके ऊपर कैसे स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए, उसको दिखाने के लिए इसको किया गया, और ऐसे हमारे समाज में रोज दिन होता रहता है, कोई ना कोई निरातित होता है, मतलब किसी ना किसी के साथ खराब होता है, और जो भी अग्रीड होते हैं उनको अपना बदला लेना होता है, अगर वो अपने आप को मतलब बोले कि हाँ चलो अभी मारो मुझे, तब तो खत्म। तो बेसिकली उसमें वार इसीलिए हुआ, और वो एक फैमिली के अंदर ही दिखाया गया, जो बहुत प्रैक्टिकल दिखाया गया, चारों तरफ देखो ना, चाहे वर्ल्डली देखो, चाहे अपने देश के अंदर देखो, ये बात महाभारत में आज से 5,000 साल पहले 7,000 साल पहले लिखा गया है या हुआ था, जो भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चाहे हुआ था नहीं हुआ था डजंट मैटर, लेकिन उसका सच्चाई है या नहीं, बिल्कुल है, आप देखोगे तो पता चलेगा। तो पॉइंट यही है कि जो पढ़ रहे हैं उसका वास्तव में क्या जरूरत है। अब जो लोग बोलते हैं कि घर पे रखना चाहिए नहीं रखना, घर पे बिल्कुल रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, गलत बोलते हैं लोगों को लगता है महाभारत में वार बोला, नहीं वार नहीं बोला,
अन्याय के साथ कैसे लड़ना है ये सिखाया गया, ठीक है। क्योंकि दुनिया में आज नहीं सर, 5000 साल पहले भी अन्याय होता था, 5000 साल बाद भी अन्याय होता है, और 5000 साल बाद भी अन्याय होगा, ठीक है। और उस प्रॉब्लम के साथ कैसे जूझना है उसका नॉलेज रहेगा तो ही बंदा कुछ कर पाएगा, और नहीं तो क्या होगा, जो ऑलवेज होता है, जो स्ट्रांग है वो ही को लूटे। सर क्या जो बोलते हो, चलो ठीक है कोई बात। सर यहाँ पर एक बंदा है डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, हु इज डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, ए पर्सन हु हैज ऑब्टेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशंस whether in one state or union territory or more than one state or union territory shall be respect of each such registration which it is distinct person. मतलब बात को समझे, एक ही बंदा है पर जिनको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन मिला है उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा एज पर द लॉ। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, भले ही वो एक ही है। ए पर्सन हु हैज ऑब्टेंड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेंड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन whether in one state or one union territory or more than one state or union territory shall in respect of each such registrations, जिनका एक ही स्टेट में, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर मानो आपके दो रजिस्ट्रेशन है, या फिर अलग दो स्टेट में, मानो एक वेस्ट बंगाल में है एक महाराष्ट्र में है, तो दोनों जगह में आपका अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और एज पर द लॉ आपको क्या माना जाएगा, यू आर अ डिस्टिंक्ट पर्सन, यू आर अ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। फर्दर वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेंड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी in respect of an establishment, as an establishment in another state of Indian territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct persons. इसके बारे में भी supply में बोला गया है कि कैसे distinct person को establish किया जाता है। जो लोग supply कर चुके हो very good, जो नहीं किए पड़ेगा बाद में। सर registration कैसे होता है, सर pan based है registration, पहले भी बोला मैंने, registration is a pan based। आप जो रजिस्टर करोगे पैन के थ्रू से करोगे, मेन कॉन्सेप्ट यही है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है, पैन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 25 सबसेक्शन 6 एंड 7 में बोला है। अच्छा एक बात है सर, जो एनआरटीपी होते हैं उनका तो इंडिया में पैन ना भी हो सकता है नॉन रेसिडेंट का, तो उनको कैसे ग्रांट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, जिनको आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है आपको, UIN नंबर, एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और एनी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस समझते हो ना, जनसंघ बोला जाता है उसको हिंदी में, जनसंघ मतलब जो दुनिया का संघ है, ठीक है, मतलब पूरा दुनिया का अलग अलग देश उसका मेंबर है, इंडिया भी है। United Nations Act 1947, consulate or embassy of foreign countries, embassy मतलब जो foreign country का जो दूत होते हैं, दूत समझते हो ना, embassy में जो रहते हैं, मतलब देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो अमेरिकन embassy है वो एक्चुअली इंडिया नहीं अमेरिका है, और अमेरिका के अंदर जो इंडियन embassy है वो अमेरिका नहीं वो इंडिया है। सर क्या बात बोल रहे हैं, यस हमारे यहाँ पर जो embassy होते हैं foreigner का, foreign country का, वो हमारा देश के अंदर है बट वहाँ के अंदर उनका रूल चलता है, और उनके देश में जो हमारा एम्बेसी है उस पर उनका नहीं हमारा रूल चलता है, भले ही देश उनका हो यहाँ पर, भले ही देश हमारा हो, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन EIN फ्रॉम द GSTN पोर्टल, इस स्पेशल एजेंसी के लिए है, ठीक है, उनको EIN नंबर मिलता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। द EIN इज नीडेड फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई नोटिफाइड गुड्स में वो सप्लाई कर रहा है उनको अगर कोई रिफंड क्लेम करना है, इसके लिए उनको GSTN पोर्टल से EIN नंबर लेना पड़ता है। याद रखे सर, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू से या कोई मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में नोटिफाइड है, या फिर कोई फॉरेन कंट्री का एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उनके लिए वो कोई सप्लाई करता है बाद में रिफंड क्लेम करना है तो उनको ये चाहिए। For such other purposes may be notified, EIN granted in a, is a centralized EIN that is itself be applicable to the territory of India.
A person having EIN is not registered person, thus it is not a tax exempt. जिनके पास EIN होता है उनको registered person नहीं माना जाता, उनको taxable person भी नहीं माना जाता. This is a specialized concept जिनको EIN number दिया जाता है. जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है. WHO, World Health Organization, International ILO, International Labour Organizations. These are the examples of organization जिनको EIN number दिया जाता है. कोई भी supply करता है देश के अंदर उनको ये दिया जाता है. वो कोई registered या taxable person नहीं है पर देश के अंदर supply वो करता है. हेलो क्लियर है सर? बोलो. यस सर. सर और भी सुन लो. द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर मतलब जो जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर का काम करते सरकारी, द प्रॉपर ऑफिसर में अपन सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और आफ्टर फिलिंग अप द सेड फॉर्म और आफ्टर रिसीविंग एन रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जो फॉरेन के साथ काम करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइन ए EIN टू द सेड पर्सन एंड इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 याद करें within 3 working days from the date of submission of applications. Ministry of External Affairs se recommendation milne ke baad, approval milne ke baad EIN number assign kiya jata hai. Registration GST registration 06 ke tahat within 3 working days jis din se application mila hai. Okay sir. Suomotu kya hota hai sir? Suomotu matlab own motion. Registration by the proper officer. Section 25, subsection 8. Read with rule 16 where bola hai. Where pursuant to any survey, inquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer find that a person liable to registration under the Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in prescribed. Matlab agar unko lagta hai ki inko registration karna chahiye par unhone nahi kiya, officer kya karega? Unka registration temporary mein kar dega aur unko ek prescribed form mein order bhej dega. कि आप कर लो. ठीक है. सच पर्सन से लाइदर सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. जैसे ही टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन के अंदर टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन कर दिया ना प्रॉपर ऑफिसर ने, अब उसके बाद उनको 90 दिन का टाइम मिलेगा. ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म खुद से फिलअप कर लेना चाहिए या फिर आप अपील कर दो टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में. अगर आपको लगता है कि नहीं ऑफिसर ने गलत किया आपके साथ, अपील कब करना चाहिए? जब आप उनके अगेंस्ट में, जब आपको लगता है कि ऑफिसर ने आपको रजिस्ट्रेशन करवा के गलत किया. ठीक है. इन केस इफ द अपीलेट अथॉरिटी अफोल्ड्स द लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच अदर ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी. ठीक है. प्रोविजन रिलेटेड टू वेरिफिकेशन एंड इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंटेंड इन रूल 9-10. ठीक है. शैल म्यूटेड इज म्यूटेड जरूरी परिवर्तन के हिसाब से अप्लाई टू सच एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द पर्सन ग्रांटेड एंड उनके बाद उनको जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता. सिंपल बात है कि ये होता है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन. बट टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन ओन मोशन में करते हैं पीओ प्रॉपर ऑफिसर, बट उसके अगेंस्ट में आप अपील भी कर सकते हैं. सर आगे आता है प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 रीड विथ रूल 8, 9 and 10. सर ये क्या है? सर इसमें तो पूरा लंबा लिस्ट है, पूरा प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्लो चार्ट करके समझाया गया. सर क्या है फ्लो चार्ट में? सर अगला 10 मिनट समय दो, आप लोग पढ़ोगे कि 10 मिनट नहीं पढ़ोगे या फिर माथा गर्म हो गया है आप लोगों का? बोलो सर, पढ़ा दे. चलो पढ़ा देते हैं सर, सुन लो. अरे कनेक्टेड हो या नहीं हो सर? बोलो. हाँ सर. थोड़ा सा वेट कर जाओ. प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 25 रूल 8, 9, 10 के साथ समझा देते हैं. प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोसीडियर फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल एंड इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. और कहाँ लिखा है रूल 8, 9, 10 में? द सेम हैव टू बी रीड इन कंजंक्शन विद रूल सेक्शन 25. मतलब दोनों एक साथ पढ़ना, मतलब रूल और सेक्शन में मिला के बोला प्रोसीडियर वगैरह के बारे में. अच्छा ये जो प्रोसीडियर आपको मैं बोलने जा रहा हूँ ये एनआर टिपिकली एप्लीकेबल नहीं होता.
नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल किनके लिए होता है? पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, एवरी पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एज वेल एज सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी, बट सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और किसके लिए? पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्सेस हो जिनका टीडीएस काटा जाता है सेक्शन 51 के तहत, पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, एंड ए पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब जो बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विस देता है ओआईडीआर। ओआईडीआर क्या होता है मैं आपको इसका फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीव, इसको ओआईडीआर सर्विस बोला जाता है, ठीक है। इनको इनसे बाहर रखा गया है। YDR service from a place outside India to be non-taxable online recipient referred to in section 14 IGST Act. And separate registrations form and procedure have been prescribed for each of the aforesaid person, जैसे कि NRTP, जैसे कि जिनका TDS section 51 में काटा जाता है, जिनका TCS collect किया जाता है। आजकल हम लोग income tax में पढ़ रहे हैं ना TDS TCS के बारे में, वही TDS TCS। तो जो person का TDS काटा जाता है, जिनका TCS काटा जाता है, उनको इस particular प्रोसीजर के अंदर रखा नहीं गया। अब साथ में जो YDR में, YDR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल का सर्विस जो आउटसाइड इंडिया से प्रोवाइड होता है, उनके बारे में बोले, ठीक है सर। सच पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। अब इसमें इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाई ACZ, ACZ के क्या है सर? ACZ क्या है यहाँ पर देखो, बोला मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया। ACZ इज जियोग्राफिकली बाउंड जोन वेर द इकोनॉमिक लॉ रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर मोर लिबरल एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ACZ इज कंसीडर्ड टू बी प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर ऑल टैक्स पर्पस। सर ये कैसा बात हुआ? ACZ भारत के बाहर कैसे हो सकता है? किसके माथा में बात नहीं गया सर? सर माथा में बात चला जाएगा, माथा को थोड़ा सा सिंपल बना। ACZ, चलो मैं आपको ACZ वेस्ट बंगाल में लेके चलता हूं। देख रहे हैं सर, फलता स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये वेस्ट बंगाल का वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन बन गया है सर, ठीक है। अभी इसको ग्रांट तो कर दिया, धीरे धीरे इसमें अभी भी बहुत सारा चीज बनना बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बाकी है सर फलता में, ठीक है। ये फलता स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ना सर, ये बेसिकली सरकार ने बनाया, ये से एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड मैटर होगा, फैक्ट्री वगैरह बनेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है, गंगा किनारे है सर, ठीक है। ये रहा गंगा, देख रहे हैं ना, ठीक है। ये फलता स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑफिस यहाँ पर है, और फलता जो है वो डायमंड हार्बर के पास पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा इधर आना पड़ता है, लेकिन आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो फलता स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये फलता स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज नथिंग, बस एक ही है कि ये देश के अंदर विदेश है, ठीक है। मतलब जो कोई भी एरिया को ACZ के अंदर में लिया जाता है, ऐसा एक फॉल्टा नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं तो यहाँ पर बस वेस्ट बंगाल लिखा बोल के, ACZ इन इंडिया भी लिखेंगे तो बहुत सारे प्लेस आ जाएगा। ये देखो सर, दिख रहा है आपको अलग अलग पॉइंट्स, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर, ठीक है। ये सर देखो, मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, MEPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोचीन केरला में, ठीक है, इधर बंगाल में, इधर झारखंड में, ठीक है, इधर यूपी में, यूपी का क्या बना है सर? बंगाल में ACZ अभी उतना डेवलप नहीं कर पाया, पता नहीं अगर पॉलिटिक्स में सारा खेल खेल रहा है तब सुधरेगा, यहाँ का पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता। ये देखो ये महाराष्ट्र में, ये देखो ये गुजरात में, ठीक है। ये देखो सर दहेज, ACZ लिमिटेड दहेज एक जगह है गुजरात में। देखना पड़ेगा, बहुत सारा अपकमिंग भी है, ठीक है। ACZ के लिए अगर आपको नॉलेज लेना है, कमीशन कौन देगा? ACZ के लिए सरकारी साइट है, आप चाहो तो ACZ इन इंडिया के बारे में जाके ACZ साइट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ACZ स्पेशल कांडला, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, फलता, नोएडा, यही मेन मेन है सर, देख रहे सर, यही मेन मेन है।
नोएडा, फलता, फलता बंगाल में, वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम, मद्रास, कोचीन केरला, कांदला इन गुजरात, दीज आर द मेन। ठीक है, बाकी डेवलप एसी चैट के ऊपर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, देख लेना सर, बहुत काम आता है। तो इसको बोलते हैं नॉलेज, नॉलेज अनलिमिटेड, जितना पढ़ लो कम पढ़ जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं आपको खत्म करूंगा, बट ये एक एक बात आ जा रहा है सर, क्या करें, जो भी हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एसी जेट प्लेस आउटसाइड इंडिया क्यों है, बिकॉज नॉर्मल एरिया में जो टैक्स सिस्टम होता है एसी जेट में, वो टैक्स सिस्टम नहीं होता है, उनको छूट मिलता है बहुत सारा चीज। तो बेसिकली यही है, ए पर्सन हैविंग यूनिट इन एसी जेट विल हैव टू मेक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड आउटसाइड एसी जेट इन द सेम स्टेट और यूनिटी। Thus, there may be a case where two units of a taxpayers located in same state, one in AC jet, another in outside AC jet. मानो कि विश्वजीत एक taxpayer मतलब businessman है, इनका एक business non-tax zone में है, मतलब sorry AC jet zone में है, जैसे कि आपको मैं zone दिखाया, और एक unit मानो इनका है जहाँ पर normal tax बाकी लोगों की तरह ही होता है, ठीक है। तो in that case, separate registrations have to be obtained for each of the units as separate place of business, ठीक है, क्योंकि ACJ एक अलग ही benefit पाता है सर, इसलिए उनका अलग registration होना मिलता है और अलग form में भरना पड़ेगा। यहाँ पर example दिया है, आप check कर सकते हो। और पूरा procedure को अगर मैं simplified करूँ, एक बार देख ली, every person liable to get registered seeking voluntary registrations shall before applying for registration declare his PAN number, mobile number, ठीक है, दे दो तुम्हारा पैन नंबर, दे दो तुम्हारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, पार्ट ए फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल, पैन मोबाइल ईमेल एड्रेस आर वैलिडेटेड, वैलिडेट करना पड़ेगा, पैन वैलिडेट ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सिबिलिटी डेटाबेस, ऑनलाइन में ही वैलिडेट करना है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी देगा, फिर आपको एक TRN जनरेट होगा। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये रियल लाइफ में बहुत कम समय में आपको यहाँ समझ में आएगा, जब भी आप किसी फार्म में काम करोगे या फिर किसी टैक्स पेयर कंपनी मतलब फाइलिंग का काम सीखोगे, तो बहुत जल्दी आपको बस रजिस्टर नाउ में क्लिक करके आपको जो फॉर्म ओपन होगा, ये पूरा उसी में, ये जो TRN नंबर बताया ना, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, ये बाद में काम आता है, ठीक है। तो वही बोला है, जैसे आप बाकी सब चीज भर दोगे, सिंपल, जो आप लोग सी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने के टाइम पे भी यही सिस्टम फॉलो करते हो, तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यूजिंग TRN एन एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशंस इन ए पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, इसके बाद ही आप पार्ट बी में जा सकते हैं, अलोंग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट द कॉमन पोर्टल। पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन में क्या है, द डिटेल्स सच एज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द बिजनेस, जुरिस्डिक्शन किस स्टेट में पढ़ते हो, ऑप्शंस फॉर कॉम्पोजिशंस में जाओगे कि नहीं जाओगे, कमिटमेंट कब किया बिजनेस को, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्यों रजिस्टर करना चाहते हो, फॉर्म में सब बोला रहेगा, बस फिल करना है, एड्रेस, PPOB प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किसको रखोगे, ठीक है, नेचर ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट, किस तरह का नेचर का बिजनेस है आपका, डिटेल्स ऑफ APOP मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, आधार ऑथेंटिकेशन, एक्सेट्रा, ये पार्ट बी कंप्लीट करेगा। तो सब कुछ आपके सामने रहेगा, बस बोलना है, और रिसीप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन मतलब पार्ट बी एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। फिर अ कैजुअल टैक्सेबल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन गेट्स ए TRN फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उनको थोड़ा एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है, जो CTP होता है उनको कैश जमा करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे, क्योंकि वो रोज रोज काम नहीं करता है, तो क्योंकि वो CTP के तौर पे आ रहा है, और उनके बदले उनको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जो भी वो डिपॉजिट जमा करेगा, अगर वो CTP है तो, CTP नहीं है तो जमा करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के बाद एप्लीकेशन चला जाता है, अब ये वेरिफिकेशन में रहेगा। द प्रोसीडियर आफ्टर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट टू, ठीक है, पार्ट टू में उसको डिपिक्ट किया जाएगा, ये पार्ट वन हो गया, पार्ट टू प्रॉपर ऑफिसर का पार्ट, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर, अभी प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, कैसे वैलिडेट करता है, ठीक है, और किस तरह से इसको कंप्लीट करता है, तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको, सुन लो, खत्म हो जाएगा ये पार्ट। प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड एकॉम्पेनिंग डॉक्यूमेंट्स,
इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर सब कुछ एज पर ठीक ठाक है तो 7 दिन के अंदर, रूल यही कहता है विद इन 7 working days from the date of submission of applications without site verifications if applicant successfully validated his other and authentications, ठीक है, तो आपको अप्रूवल के लिए चला जाएगा. If applicants fails to undergo or does not opt for other authentications or PO deems to it fit to carry out site verifications, registration is granted within 30 days of applications after verification of site and prescribed document. Site verification करेगा, आपका business देखेगा, उसके बाद ही 30 दिन के अंदर. अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो 7 दिन के अंदर भी दे देता है, ठीक है. प्रॉपर ऑफिसर जब रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको देगा तो वो ग्रांट करेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 पे. प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर रिजेक्ट करेगा तो राइटिंग में बताना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है. अच्छा, ये हो गया आपका सिंपल कॉन्सेप्ट. लेकिन मानो कि अगर नो है, मतलब अगर मानो सब कुछ ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में है तो क्या होगा पता लग गया, अगर ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा. प्रॉपर ऑफिसर इशू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 working days, 7 दिन के अंदर, वर्किंग डेज, हाँ छुट्टी वाला दिन नहीं. फॉर्म एप्लीकेशन सबमिशन डेट देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशंस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट, जो भी चाहिए मांगेगा. नोटिस में भी इशूड नॉट लेटर देन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर करना है नोटिस. From application submission date, in case where a person fails to undergo other authentication, does not opt for other authentication or PO deems fit to carry out site verification. अगर other authentication वगैरह ठीक ठाक नहीं हुआ है तो PO फिर से site verifications के लिए जाएगा. अगर फिर site verification पे सब कुछ satisfied होता है, if applicant has furnished the clarification information, जो भी पूछा गया है, ठीक है, within 7 working days from the receipt of notice, अगर ठीक है तो फिर वही जिस तरह से valid हुआ था हो जाएगा 7 दिन के अंदर. अगर इसमें भी ना है, अगर इसमें भी ना है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर से ना है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, ठीक है. अच्छा, क्लैरिफिकेशन दिया है, इंक्लूड मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिक्लेयर्ड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अदर देन पैन स्टेट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस, ये सब क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा. अच्छा, अगर मानो कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है और प्रॉपर ऑफिसर कुछ बताने में देरी कर रहा है तो डीम्ड अप्रूवल भी हो जाता है, ठीक है. डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब देरी करके जवाब दे रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि अप्रूवल हो चुका है, ठीक है. सर, ये सब चर्चा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं कंटिन्यू करूंगा डीम्ड अप्रूवल वगैरह के बारे में. कंप्लीट हो चुका है चैप्टर सर, चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, बस अप्रूवल कब होगा और अगर कैंसिल करेगा तो कैसे करेगा, ये कुछ बातें हैं, ठीक है. कैंसिलेशन कैसे होगा और कैंसिलेशन के पीछे क्या कारण हो सकता है, बस ये बातें कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट होके फिर मैं रिटर्न फाइलिंग एंड ई वेब में बात करूंगा. बहुत ज्यादा पढ़ा लिया ना, ठीक है सर. देखने एक ही दिन जीएसटी पढ़ते हो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए. तनोन, नील, रोशनी, शालिनी, शिवम, आप लोग सब जिंदा हो सर? हाँ सर. ओके, विश्वजीत, सोनी, ठीक है सर. यस सर. यस सर. ओके सर, टाटा, गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. बाय सर. बाय सर. गुड नाइट सर. बाय सर. बाय बाय सर. बाय सर. बाय सर.